शिमारू विंटेज से सारे अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। के पास ही मुफस्सिल में है ये शानदार मकान चौधरी हाउस। इसमें एक सुखी परिवार रहता है, उसी की ये कहानी है। को संभालो तब जाने। अरे नहीं नहीं प्यादा नहीं प्यादा नहीं, इस घोड़े को चिपका दो सामने। सेक्शन 29 क्लॉज 2 जरा मुझे देख लेना चाहिए। तो कचहरी जाते वक्त क्यों कहा था कि वापस आकर मैं तुम्हें कल्याणी के घर ले चलूंगा? हाँ हाँ जरूर ले चलूंगा, मैंने कब इनकार किया था। जरा वो किताब निकाल दो तो एक नजर देख लो। इतने में तुम तैयार हो लो? मेरा क्या है, चुटकी में कपड़े बदल डालूंगा? साज सिंगार में तुम औरतों को ही बहुत देर लगती है। लेकिन मेरे तैयार होने से पहले अपना ये हिंदू सक्सेशन एक्ट जरूर खत्म कर लेना। हाँ बस अब मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, जरूर होगा। कितनी बार हुई रे कमल? 75 बार। बस तो और क्या? तुम तो समझती नहीं, तुम्हें तो दिन में कम से कम 200 बार स्किपिंग करनी चाहिए। 200 बार? हाँ। दुहाई है तुम्हारी, फिर तो बस मैं मर ही जाऊंगी। नहीं नहीं कुछ नहीं होने का, सिर्फ जिस्म की फालतू चर्बी घट जाएगी। चलो फिर से शुरू करो। चलो 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 चलो। कमल बेटा तू गिनती कर, इससे तुझे गिनती भी अच्छी तरह से आ जाएगी। मुझे गिनती आती है चाचा? तो बेटा और अच्छी तरह से आ जाएगी, गिनती करो। जय श्री, मैं कल्याणी के घर जा रही हूँ, तो मुझे भी अपने साथ ले चलो ना मंजली जी, इस मुसीबत से तो छुट्टी मिल जाएगी। ना बाबा, तब तो देवर जी मुझे भी हुक्म कर देंगे तुम्हारे साथ साथ रस्सी टापने का। अरे तुम अभी तक ऐसे ही खड़ी हो, शुरू नहीं किया? चलो 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 भाभी तुम भी शुरू कर दो, इट्स ऑल्सो गुड फॉर यू। मैं तो दावत खाने जा रही हूँ देवर जी। ओ, लेकिन लालच मत कर बैठना ज्यादा खाने का। अगर ज्यादा खा भी लिया तो क्या, घर में डॉक्टर तो है ही,
No, 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 no. Overeating is very dangerous. Look. अच्छा कमल, तू खाना खाकर सो जाइयो, मुझे शायद आने में देरी हो जाएगी। हाँ बेटे। अच्छा ताई जी। लो, छोटे देवर और देवरानी का ड्यूएट शुरू हो गया। तो फिर मैं भी शुरू हो जाऊँ। चल कमल, गिन। 76 78। अरे, इस तिहाई पर पहुंचकर तुमने सब घोटाला कर दिया। दुहाई है तुम्हारी, इस तिहाई से रिहाई दो मुझे। ओहो, बस गिनती में जरा सी गलती हो गई। मात्राओं को ठीक से गिनकर सम पर बम की तरह पैर पड़ना चाहिए। लेकिन मैं थक गई, रहने दो इस लय को। ये लय तो मेरे लिए प्रलय हो गए। प्रलय? अरे तुम पागल हो गई हो क्या? सारा संसार एक लय ही तो है, एक रिदम, एक ताल और कुछ नहीं। प्रलय तो तब होती है जब लय ना हो, और तुम इसी लय से मुंह मोड़ रही हो। चलो शुरू करो। ना ना, अब मुझसे नहीं होगा। तुम्हारे कहने पर मुझे कैसे कैसे भेष बदलने पड़ते हैं। घर वाले क्या कहेंगे, ये नई बहू अजीब अजीब सब कपड़े पहनकर 2400 घंटे ताता थेती बस और कुछ नहीं। घर वालों से तुम्हारा मतलब भाइयों और भाभियों से है ना? अरे कॉन्फ्रेंस में तुम्हारे नाच पर मोहित होकर ही तो तुम्हें इस घर की बहू बनाकर लाए, वो और कुछ क्यों समझेंगे। चलो शुरू करो, परसों कॉन्फ्रेंस है। चलो चलो चलो। रेडी, 1 2।
क्षति है तुम्हें इनाम मिलेगा। बचाओ मंजली जी, मुझे बचाओ, ये तो मार डालेंगे मुझे नचा नचा कर। मैं तो जानती थी कि सिर्फ औरतें ही मर्दों को नचाया करती है, अब तुम्हारी बारी उल्टी गंगा क्यों छोड़ती? अरे नहीं भाभी नहीं, गंगा आज तक न कभी उल्टी बही है और न कभी उल्टी बहेगी। दरअसल यही हमें नचाया करती है दिन रात, पर दुख ये है कि हमारा नाचना किसी को दिखाई नहीं देता। आहा हा हा, खुशकिस्मती है कि दिखाई नहीं देता देवर जी, वरना तांडव के नाचने वाले खुद भगवान शिव को मजबूरन तुम्हारी शागिर्दी करनी पड़ती। अच्छा मैं चली मंजू, और तुम स्क्रू कुछ ढीले लगते हैं। किसके? फिर मजाक कर रही हो? चलो शुरू करो, चलो फिर। ये लो, अभी तक हिंदू सक्सेशन एक्ट खत्म नहीं हुआ। अगर वहां जाने की मर्जी नहीं थी तो उन लोगों से वादा ही क्यों किया, और मुझे भी तैयार हो जाने का हुक्म क्यों कर दिया? हाँ, वहां जाना तो जरूर चाहिए, लेकिन यानी बात यह है कि इस नई पिटीशन को ड्राफ्ट किए बिना मुझे चैन नहीं। अच्छा सुनो तो, मैं माधव को यही बात समझा रहा था कि मिस्टर जेड एक नंबर शैतान और बड़ा तिगड़मी आदमी है। वो सिर्फ मिस्टर एक्स को परेशान करने के लिए बेहुदा एतराज खड़ा कर दिया पट्टे ने, लेकिन ये एतराज यूं समझ लो कॉमन सेंस क्या कहती है। अच्छा तुम उसकी जगह होती तो क्या करती? मैं कैसी नहीं करती, उठो चलो। कहां? हाय रे किस्मत, अरे तू तो मेरा चांद है चांद। ले इतना सब बाकी, पी ले घटाघट। शाबाश महाराज, कमल को दूध कितना दिया? क्यों, तीन खर्चे दिए। मैंने कहा था ना उसे जरा ज्यादा दे देना, अभी अभी तो वो बीमारी से उठा है। चंपा बेटी तू भी जरा ध्यान रखना सब तरफ। मेरे किए क्या बनेगा बड़ी मालकिन, ये ठाकुर जी महाराज तो अफीम खाकर। खबरदार चंपा, मैं हूँ जो इस रावण जैसे बड़े परिवार के खाने। राम राम राम, जो मुंह में आता है बके जाते हो महाराज। मेरा परिवार, मैं तो बलिया लेते लेते मरी जा रही हूँ, और तुम। चंपा बेटी इसे ले जा, इसकी माँ के पास ले जा इसे। जब आज तुम इस बात का फैसला कर दो जीजी। किस बात करी? मुझे आज ही मैके भेज दो, आज ही। अरे अभी तो सुना था कि तू दावत खाने जा रही है, और अब तुम अचल रही है मैके जाने को। आखिर बात क्या है? मछली देवर जी तुझे दावत पे नहीं ले जाना चाहते हैं क्या? पता नहीं, बड़े भैया से इजाजत ले दो, मैं आज ही मैके चली जाऊंगी। और कमल, उसके माँ बाप तो तेरे पास उसे छोड़ के गए हैं, वो रह सकेगा तेरे बिना यहाँ? न रह सके तो उसे उसकी माँ के पास बनारस भेज दो, मेरा तो कोई बच्चा है नहीं, चैन से रहूंगी। बड़ी जी जी मुझे मैके भेज दो। तुझे क्या हो गया भी? मजली के रूठने का कारण तो मैं समझ गई। मजली जी को तो कभी कभी शौक हो जाता है रूठने का। है, मजली जी का शौक आ जाता है, और तुझे है? मेरी तो यहाँ जान बरा बनी है, नाचते नाचते मेरी कमर ही टूट गई। बड़ी जी जी, ओ तू भी मैके जाना चाहती है? हाँ, बड़े भैया का हुक्म दिला दो। क्यों, मेरे डॉक्टर देवर से झगड़ा ही है क्या? झगड़ा करने की फुर्सत ही कहाँ मिलती है, रस्सी लेकर कूदते कूदते ही जान निकल जाती है मेरी। नहीं नहीं जी जी, मैं जरूर मैके जाऊंगी। मैं जाऊंगी, पहले मैंने कहा था। नहीं नहीं जी जी, मैं सबसे छोटी हूँ, छोटों की बात रखना ही चाहिए। हे भगवान, तुम सबके सब मैके जाना चाहती हो तो मैं यहाँ किसको साथ लेकर रहूंगी? वो इंजीनियर देवर तो पहले अपनी बहू को लेकर बनारस में रहते, और अब वो सब हम कुछ नहीं जानती, बस तुम इजाजत ले दो तो तू जरूर जाएगी। हाँ हाँ, और छोटी तू? मैं भी जाऊंगी, बस वहां जाकर आराम से सिनेमा देखा करूंगी। और तू जयश्री? कहा ना मैंने। अच्छा जब तुम सबने फैसला कर ही लिया है तो मैं उनसे पूछ देखती हूँ, शायद ऊपर होंगे।
ओ, तुम सब आ गई? अच्छा हुआ भाई, बड़ी मुश्किलों से उन्हें राजी किया है। अब तुम सब अपने अपने मायके जा सकती हो। अगर अगर नाच बंद कर दिया तो कहीं गठिया उठिया की शिकायत तो ना हो जाएगी जीजी? हुक्म तो दिला दिया, पर यह भी सोचा है बड़े भैया को देखे बिना कहीं मेरा राजू उदास होकर बीमार तो नहीं हो जाएगा। उन्होंने हाँ कर दिया और हम मान गई। बताओ तो कमल जाकर किसके पास सोएगा? हम सबको मायके भेजकर ये अकेली राज करेंगी यहाँ। अगर हम ना जाए तो क्या कर लोगे तुम? जवाब क्यों नहीं देती? पता है, मुझे सब पता है। मेरे देवरों के बिना तुम सब एक दिन भी कहीं नहीं रह सकती। सिर्फ बड़ी बड़ी बातें हाँकना जानती हो। मेरे देवरों जैसे लड़के दिन में चिराग लेके ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। तुम्हें यही एक बुराई है जीजी, सिर्फ उन्हीं की अच्छाइयां देखा करती हो और हम तो जैसे तुम्हारे कुछ है ही नहीं। अरे पगली, तुम्हारे बिना मेरा और है ही क्या? तुम सबको मिलाकर तो ये मेरी छोटी सी दुनिया बनती है। तुम सब मेरी घर की लक्ष्मी हो। लक्ष्मी माधव जी आया। माधव आया। आया माधव। ओ आया माधव। अरे माधव, तुझे पुकार रहे हैं शायद। ओ, पुकारते तो सभी हैं लेकिन माधव तो एक ही है। ओ, देख तो सही किस लिए पुकार रहे हैं। मुझे पता है किस लिए पुकार रहे हैं। सुबह हो गई है, सबको चाय चाहिए। बड़ी मालकिन चाय बना रही है, पुकार रहे हैं। अरे सुन तो सही, राजू ने अगर दूध पी लिया हो तो यहाँ ले आ, खेलने के लिए ना। माधव 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 मर गया। ओ माधव आया डॉक्टर बाबू। उसे ऊपर ले चल। संभाल के। अरे ये घड़ी है? अरे घड़ी नहीं, तोलने की मशीन है। अच्छा अच्छा, तोलने की मशीन है तो भंडार घर में ले जाता हूँ। हाँ, चावल घेहूं सब तोलेंगे। हाँ जंगली बेवकूफ, अरे इससे आदमी तोले जाते। ओ आदमी तोले जाते? अदब जमाना आ गया, आदमी भी तोले जाते। डॉक्टर बाबू, आदमियों का वजन क्यों करते हैं? अरे ये सेहत की बातें हैं। आदमी का जिस्म, किसे कितनी कैलोरीज मिलनी चाहिए, किसे कितनी प्रोटीन मिलनी चाहिए, लेकिन तू कुछ नहीं समझेगा। जा बुला, ला जा। बुलाता है बाबा। सुरेश सुरेश, चलिए 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 जल्दी चलिए ऊपर, चलिए ऊपर चलिए। लेकिन बात क्या हुई? बात तो कुछ हुई नहीं, लेकिन होने में कितनी देर लगती है। ऊपर जाके डॉक्टर बाबू के कमरे के सामने देख लो। मेरे कमरे के सामने? हाँ। अरे अरे, इसमें घबराने की कोई बात नहीं, वजन होगा वजन। जाइए ऊपर। बड़े बाबू, राजू को दिनेश बाबू ने बुलाया है। अरे जा, खेलने के वक्त हमें परेशान मत किया कर, सब झमेले बस इसी वक्त आते हैं। क्या नाम है इसका? मैं तो ले जा रहा हूं। अरे पर क्यों? क्यों नहीं ले जाऊं? आपको भी बुलाया है, वजन होगा वजन। वजन? अरे किसका कैसा? अरे सुन तो सही। लो मुन्नी 80 पाउंड। मुन्नी 80 पाउंड। कमल 105 पाउंड। करेक्ट। कमल 105। 105। अरे माधव ले आ राजू को, ले जाके इसको मशीन पे खड़ा कर दे। तुम लोग थोड़ा इंतजार करो, पहले सब बच्चों का वजन हो जाए, उसके बाद तुम लोगों की बारी आएगी। राजू 182 पाउंड छोटे काका। है? मेरे समेत? माधो मैं तेरा गला काट के रख दूंगा, काम के वक्त मजाक करता है। नीचे उतर, इसे मुझे दे। एंड यू गेट आउट फ्रॉम हियर। अच्छा बेटा चलो जाओ। लेख भाई 28 पाउंड। राजू 28 पाउंड। 28 पाउंड? उम्र के हिसाब से वजन बहुत कम है। जयश्री अपनी आंखों से देख लो, सिर्फ 28 पाउंड। कई बार तुम्हें कहा कि राजू को 10x5 यानी 50 औंस दूध मिलना ही चाहिए। अगर राजू दिन में 4 बार दूध पीता है तो हर बार 12 औंस से कुछ ज्यादा मिलना ही चाहिए उसे। देखो जी, ये हिसाब वगैरह में मैं बहुत कच्ची हूँ, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आया। तुम बड़ी जीजी को समझा दो। समझ गई मैं, सब कुछ समझ गई। राजू को और ज्यादा दूध मिला करे, है ना? मिल जाएगा। चलो तुम। अच्छा छोड़ो भी, इनका बचपना कभी नहीं जाएगा। बचपना? अरे किसका कितना वजन है ये जाने बगैर फूड वैल्यू यानी किसको कितनी कैलोरीज। हम लोगों को भी आइंदा उसके हिसाब से खाना पीना पड़ेगा। अलबत्ता। चलो चलो जल्दी करो, सबका वजन लेना, देर हो रही है। सुनो पहले बड़ी जीजी को तो।
बड़ों के होते हुए छोटे। हाँ करेक्ट करेक्ट, चलो बड़ी भाभी पहले तुम चलो। क्या कह रहे हो देवर जी, मेरे वजन से तो मशीन टूट जाएगी। और टूट भी जाने दो जी जी, वो विटामिन कैलोरीज ओहो ये सब तुम क्या जानो। चलो ना, चलो 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 चलो। सुरेश क्या बात है, भागते कहाँ हो, अभी वजन नहीं हुआ। अरे अजीब मुसीबत है, वजन मालूम किया मगर कैसे पता चले कि तुम्हें कितने ग्राम शुगर कितने ग्राम प्रोटीन। बड़े भैया तुम ही बताओ, बगैर ये सब चीजें मालूम किए हुए सेहत कैसे ठीक रह सकती है। बेशक बेशक, क्या नाम है। अच्छा तो बड़े भैया तुम ही खड़े हो जाओ मशीन पर। मैं हाँ अच्छा अरे राजू का वजन लिया, उसकी याददाश्त की मैं क्या दाद दूं, अच्छी सी खुराक अगर उसे मिल गया तो समझो कि। रमेश को क्यों नहीं बुलाया, सारा दिन भर बेचारा काम काज में पिसता रहता है, उसके वजन की भी तो जरूरत है। अरे माधव माधव जा मजलू बाबू को बुला ला। हाँ नहीं नहीं मैं मजलू बाबू को नहीं बुलाऊंगा, अगर मैं उनको बुलाने तो वो मुझ पर एक कानून बगाड़ने लगेंगे। मैं नहीं बात मत कर, बुला के ला जा। अच्छी बात है, जूते उतार। अच्छा लिख रहे सुरेश 256 पाउंड। भैया ये क्या मुसीबत है, अपनी इस तौंद को कम करो, तौंद को। क्या नाम है उसका। मैं जानता हूं तुम इसे कम नहीं करोगे, ये काम भी मुझे ही करना पड़ेगा। मुश्किल तो ये है कि हमारे घर में किसी को भी बैलेंस डाइट नहीं मिलती। अरे हमारे घर में क्या, हमारे मुल्क में कहीं भी किसी को बैलेंस डाइट नहीं मिलती। अरे सुरेश तू ये सारा दिन सारे गम अपा एक दो तीन चार करता रहता है, सेहत के ऊपर कोई बढ़िया सा गाना क्यों नहीं तैयार कर लेता। तुम मियाँ बीवी मिलकर के गाना और मैं सबको वर्जिश करवाया करूंगा। अच्छी बात है। डॉक्टर बाबू मजले बाबू नहीं आ सकते क्योंकि वो मोकिलों से लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। लड़ाई झगड़ा कैसा रे, कानूनी दाव पेच। डॉक्टर बाबू जब तक मुझे ही तो लीजिए ना, तभी जरा ठीक नहीं आजकल मेरी भी। तबीयत खराब रहती है जी जी। आइए वजन। अरे सत्यानाश क्या किया है रे, क्या कुछ नहीं, कितनी रोटियां खाता है। सिर्फ 25। 25? हाँ 520। महाराज कल से इसका खाना आधा कर दिया जाए, ज्यादा से ज्यादा 13 रोटियां मिले। और माधो कल से तुम्हें हर रोज बच्चों के साथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। और महाराज आप कहाँ चले। मुझे किसी ने पुकारा ना, जाकर राइस की हंडी उतारनी है। अरे नहीं 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 किसी ने नहीं पुकारा, जब आप यहाँ तक आई गए हैं तो जरा वजन भी दे दीजिए। आओ महाराज जाओ, घबराइए नहीं। मुश्किलों से हम
टमाटर रोज सवेरे जो कोई खाए। उसके घर में डॉक्टर कभी भी न आए। एक टमाटर रोज सवेरे जो कोई खाए। उसके घर में डॉक्टर कभी भी न आए। आधा शेर दूध सवेरे आधा शेर शाम को। आधा शेर दूध सवेरे आधा शेर शाम को। रोज जरा सी कसरत कर दे लोहाई इंसान को। रोज जरा सी कसरत कर दे लोहाई इंसान को। याद रखना इसे चक्कर आ गया। चक्कर? हाँ। क्यों? कल आपने ऑर्डर दिया था ना इसे आधा पेट खाना मिले। रात खाने के टाइम बेचारा इतना रोया इतना रोया, अगर पत्थर भी होता तो पिघल जाता, मगर मैं टस से मस नहीं हुआ, उसे भूखा ही रखा। ओह आई सी। महाराज इसका खाना कम करने की जरूरत नहीं, जितना पहले खाता था उतना ही खाने देना है। महाराज अपना खाना चालू ना। सलाम करके थैंक यू बोलो। ओ सलाम थैंक यू। मेंशन नॉट मेंशन नॉट। चाय के लिए बुलाया तो जान बची। क्यों बहू, वर्जिश तो बहुत अच्छी चीज है, दिनेश सबकी सेहत ठीक रखना चाहता है। हाँ क्या नाम है छोटी बहू रानी, कहाँ गई? आपके लिए पान लगा रही है, आती हूँ। अच्छा अच्छा, भाभी एक प्याली चाय। और रमेश तू चाय पीता रहेगा, नाश्ता नहीं करेगा? बड़ी बहू दो मिठाई दो। रहने दो भाभी, फिर खाना खा के मुझे कचहरी जाना है। भाभी भाभी जल्दी चाय दो भाभी। क्यों रे सुरेश, तुझे क्या जल्दी पड़ी है, तुझे कचहरी थोड़ी जाना है, चल नाश्ता कर ले। नहीं बड़े भैया, मुझे भी रियाज पर बैठना है, जल्दी करो भाभी। तुझे क्या हो गया, प्लेट पर टकटकी लगाया बैठा है, खाना नहीं है? सोच रहा हूँ कचौरी और समोसों में विटामिन और कैलोरीज कुछ कम पड़ती हैं, है ना? क्यों नहीं, जरूर कम है। तुम लोग आखिर ये सब चीज इसे देती क्यों हो? बड़ी बहू उसे कुछ मिठाई दो, बल्कि दो अंडे उबाल के दे दो। हाँ हाँ, कौन जाने दवाखाने से कब फुर्सत मिले, पेट भर कर खा लो। हाँ। मरीज तो कभी कोई झांकता भी नहीं और ना कोई बुलाता है, बड़े लाए दवाखाने। फिर भी क्या नाम है उसका, नोबल प्रोफेशन जनता की सेवा। जी जी वो बात भी बड़े भैया से पूछ लो ना। क्या बात है, तुम्हें पूछ लो ना मजली बहू। बोलो ना, तुम्हें तो जुबानी लेने में भी ला जाती है। बात ये है कि मजली चाहती है कि कमल को जनोई डाल दिया जाए। इस महीने में कोई शुभ दिन देकर कमल का यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया जाए। ये तो बहुत अच्छी बात है। अब क्या वो 12 साल का हो ही गया है, 13वां साल चल रहा है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि। सोचने की क्या बात है भाभी, तुम्हारी मर्जी और भैया की रजामंदी हो तो ये भी काम निपटा देना चाहिए। लेकिन गणेश भैया और भाभी तो यहाँ है नहीं। हाँ उन्हें अभी चिट्ठी लिख देनी चाहिए, क्या नाम है उसका, तू ही लिख देना। लेकिन नौकरी का सवाल है, छुट्टी न मिली तो। छुट्टी न मिले तो नौकरी से इस्तीफा देकर चला है। नहीं नहीं, इसमें नौकरी छोड़ने की क्या बात है, 1100 रुपए महीने तनख्वाह मिलती है, काशी का डिस्ट्रिक्ट इंजीनियर है। है तो हो, जरूरत पड़ेगी तो यहाँ आकर एक फार्म खोल लेगा। सुरेश एक चिट्ठी लिख दे तो काशी। जरूर लिख दूंगा, पर एक शर्त है भैया, उस मौके पर एक शानदार जलसा हो, खादार दावत हो, बड़े बड़े नामी कलाकारों को बुलाया जाए, क्यों बड़े भैया? हाँ जरूर जरूर, उस खुशी के मौके पर गाना बजाना तो होना ही चाहिए। क्या नाम है उसका, और गहने? गहने? हाँ, कमल के लिए अंगूठी बटन वगैरह वगैरह। जी जी, तुमसे भी पार पाना मुश्किल है, कमल को तो मिलेंगे गहने और हमें बस काम काज में पिसती रहेंगे और कुछ नहीं। नहीं नहीं, तुम लोगों को भी मिलेंगे, बताओ ना मंजली बहू क्या नाम है उसका, हार चूड़ियां क्या क्या चाहिए बता दो। हम अभी कैटलॉग में से देखकर लेटेस्ट डिजाइन की चीजें पसंद कर लेते हैं। अच्छा। और जी जी तुम्हारे लिए भी बढ़िया सा हार, अब मैं इस बुढ़ापे में क्या पहनूंगी, तुम अपने लिए चुन लेना। चल जयश्री हम कैटलॉग देखेंगे, चल जाइए। कैसा कैटलॉग जी जी? गहनों का, चल तो सही।
सुनो तो, कमल की माँ को मत भूलना, उसके लिए भी गाने चुन लेना। अच्छा। देखा इनका पागलपन। तो क्या हर्ज है, यही तो उम्र है इनके खाने पहनने की। क्या नाम है उसका, राजू ने दूध पी लिया हो तो भेज दो उसे, एक शतरंज की बाजी हो जाए। राजू, छोटी मालकिन ने क्या गला पाया है, जब गाती है तो ऐसा मालूम होता है कि कान में कोई अमृत टिपका रहा है। अरे रहने दे तारीफ, ये भी कोई गला है, इस गले से खाया जा सकता है, गाया नहीं। आपको गले की क्या पहचान है महाराज? क्या मुझे गले की पहचान नहीं? अजी किसके कंधे पर कितने गले हैं बताओ, जो मेरे गले से अपना सर गलाएगा। उस्ताद किला खां का नाम सुना है आपने? वो कौन है महाराज? नाम सुना है या नहीं, सिर्फ हाँ या ना में जवाब दो। उसका शागिर्द है फतेह खां और उसका गुरु भाई पंडित दुत्कार नाथ, और ये बंदा। अच्छा, आप ही है वो। बात क्यों तोड़ देते हो, बंदा उसके घर 10 बरस काट चुका है, अब मुझे ही गले की पहचान न होगी? आपको गले की पहचान कैसी हो सकती है महाराज? नहीं हो सकती, अरे मेरा गला सुनकर ही तो उसने मुझे नौकरी दी थी। एक दिन अमास के रात को नदी किनारे बैठ के मैंने माल कंस की 1-2 गिटकारियां ऐसी मार ली, बस सुनते ही पंडित जी ने मेरे पैर पकड़ लिए और कहने लगे, हमारे यहाँ काम करोगे? बस उनकी मिन्नत खुशामत की वजह से मैंने उनको हाँ कह दिया। तो आपको वहां तो खाने पकाने की नौकरी मिली होगी? हाँ, स्पेशल रसोई की। उन्होंने कहा जो चीज खाकर आपका ऐसा गला हुआ है वही चीज हमें खिलाया करो। बस फिर क्या, दोनों टाइम कोयल के अंडे की अमलेट बना के उनको खिलाना शुरू कर दिया, और फिर जो गला हुआ है, क्या कहने, बस सारी रात सोने नहीं पाते थे, झटपटाते थे। क्यों? गले को चुटिया घेर लेती थी, गला बहुत मीठा हो गया था ना, तो रात भर गले से चिपकी हुई चुटिया ही हटाता रहता था। ओ, तो आप गाना छोड़कर रसोईगिरी क्यों करते हैं? किस्मत का फेर है, और कभी सुनाऊंगा। नहीं नहीं महाराज, अभी सुनाओ। अरे उस पंडित दुत्कार नाथ ने मिन्नत खुशामत की कि महाराज आप गाएंगे तो मेरी रोजी मारी जाएगी। ओ, तो इसलिए आपने गाना छोड़ दिया? अरे नारे, इस बात पे मैं क्यों छोड़ता, मैंने कहा तुम्हारी रोजी मारी जाएगी तो मेरा क्या, मैं गाना क्यों छोड़ू। बस लग गया गाने, माल कंस खमाज तराना ना दर 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 तौम 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 जान बची। अरे दूत, इस घर में संगीत विद्या की किसको क्या पहचान। हाँ माधो, बहुत दिन से कमरा बंद है ना, अच्छी तरह से झाड़ बुहार कर साफ कराना। बड़ी मालकिन, आप फिक्र न करें, अरे मैं इस कमरे को चाट के रख दूंगा। आप जानती नहीं, मैं गणेश बाबू को भूला नहीं। अरे अगर अपने कमरे में गणेश बाबू ने जरा भी गंदगी या गड़बड़ पाई तो मेरे सर का सिरका बना देंगे। क्या मुझ बने खड़े हो, मार्च, चलाओ चलाओ चलाओ, जल्दी जल्दी हाथ पांव चलाकर कमरे साफ कर दो, देखूं। क्या हो? हाँ भैया, साथ वाले कमरे में जाकर वो जाले वाले निकाल देना और खिड़की चमका दो। भीगू कहाँ, भीगू? देख तू जरा ये पलंग साफ कर दे और ये कबाड़ वगैरह भी साफ कर दे। झड़न लाया है? लाया भैया। शाबाश, गंदा कहीं का गंदा झाड़न उठा कर लाया। अबे गंदे झाड़न से तो गंदगी फैलती है, जा बड़ी मालकन से दूसरा झाड़न लिया। चंपा तुम जरा पानी ले आना और ये कमरे जरा धो डालना। शाबाश। मधु भैया उसकी तबीयत बहुत खराब है, कहो तो उसका काम मैं कर दूं। ऐसा ये कर। अबे मुर्दा, तुझे इसकी फिक्र क्यों पड़ी है, तू अपना काम संभाल। चल चल पंखा साफ कर दे, देखो। माधो भैया का क्या बिगड़ता है, कुछ करना तो नहीं पड़ता, 2 तोले की जबान हिला दी और बस। फिर चपड़ चपड़ शुरू कर दी। चल जा पानी ले। बढ़िया ये। अच्छा माधो भैया, गणेश बाबू क्या पूरे साहब आदमी है? बिल्कुल। अरे इंजीनियर है ना, इंजीनियर का मतलब क्या होता है जानता है? बिल्कुल, जो इंजन चलाए वो इंजीनियर। गधे हो तुम गधे।
अरे बुद्धू, इंजीनियर वो होता है जो खुद तो कुछ करता नहीं और खुद खड़े खड़े दूसरों से काम कराता है। जैसे वो जैसे तुम। अरे चंपा, बहुत होशियार है, बहुत होशियार है। आप क्या हंस रहे हैं? पंखा साफ कर दीजिए और मैं अभी आता हूं भिकू को देखकर। चंपा चलो जमीन धो दो जल्दी से। अरे जरा सीढ़ी को थामना, नहीं तो मैं गिर जाऊंगा। और इतना ही डरते हो तो किसी और को साथ ले आते। आज तो मैं बहुत थक गई, जरा पान खा लूं। तू इस तरह घूर क्या रहा है? घूरता नहीं, देखता हूँ। क्या? तुझे दुर्मु जला, कोई आ जाएगा तो काम कर अपना काम। करता हूँ करता हूँ, लेकिन चारा के तो एक हो जाए ना। चारा मंजू, वो कौन सी माँ थी बताओ तो? किसकी माँ? ओहो, कल जो धुन बना रहा था ना, उसमें शुद्ध माँ थी या तीव्र माँ? मेरे ख्याल में तो वो सौतेली माँ थी। ओहो, फिर ठट्टा, कला के साथ मजाक नहीं करना चाहिए। चलो बैठो, रियाज करो अपना। ना ना, सुबह सुबह मैं गा नहीं सकती। अरे अरे रे, ये क्या कर रहे हो? छोड़ो ना, किसी ने देख लिया तो। देख भी लिया तो क्या, यही कहेंगे ना कि छोटे बाबू छोटी बहू के हाथ पकड़ कर खींचातानी कर रहे थे। इसमें दुनिया हैरानगी के समुद्र में नहीं डूबेगी। चल। अरे मुझे कोई काम काज करना है या नहीं करना? हाँ? ये कोई काम ही नहीं, तुम फिर कला से मजाक कर रही हो। हम कलाकार हैं, कला की साधना हमारा परम काम है। चलो 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 चलो। तुम्हारी सैया, तीत पुरानी, मेरी तुम्हारी।
मजा रहेगा। गणेश चाचा जी और चाची जी आने वाले हैं। हाँ देखना हमारे लिए कितनी चीजें ले आएंगे। अरे महाराज जा रहे, बुलाओ उसे उल्लू बनाए। महाराज, ओ महाराज। इससे जरा अंग्रेजी में तर्जुमा सुने, बड़ा मजा आएगा। क्यों महाराज, अंग्रेजी में तुम तर्जुमा कर सकते हो? क्यों नहीं, किसकी अंग्रेजी पूछना चाहते हो? जाओ जाकर दूध दे आओ। वो तो बहुत आसान है, गो मिल्क द गिव कम। सब जानता हूँ कमल बाबू, सब जानता हूँ। नसीब का मारा हूँ इसलिए रसोईया का काम करना पड़ता है। अच्छा महाराज, आप अंग्रेजी कहाँ से सीखे? वो लंबी दास्तान है, फिर कभी सुनाऊंगा। हाँ, फटाक से झूठी बात न बना सके ना इस बार। क्या, किसमें इतनी हिम्मत है जो कहे के मैं झूठ बोलता हूँ? पता है, एक निखालस बिलायती अंग्रेजी साहब के घर में 10 बरस नौकरी करता रहा हूँ। अब मैं नहीं अंग्रेजी जानूंगा तो कौन जानता है फिर? तुम अंग्रेजी नहीं जानते? नहीं जानता? नहीं नहीं जानता तो पूछो जिसको जो कुछ पूछना है, मैं फटाफट जवाब दूंगा। अच्छा बोलो, मेरा सर चक्कर खा रहा है? My head is eating circle. ठीक है ना? हाँ बिल्कुल ठीक। वो तो होगा ही। अरे अरे दे 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 दे, चुप चुप चुप, गड़बड़ कर दिया होता अभी। तुम कहाँ जा रही हो? लाइन में खड़ी हो जाओ। हटो भी, हमेशा बचपना। ओहो बचपना नहीं, जैसे बच्चे का बाप करे, जैसे बच्चे करे वैसे बच्चे की माँ करे। चुपचाप खड़ी रहो, तुम तैयार हो बच्चों? रेडी? हाँ, 1 2। चलो चलो। अरे वो आ गए। जी जी वो सब आ गए। चलो चलो चलो। अच्छा चलो अब चलो। भाभी आ गए देवर जी। भाभी आपने इतनी देर कहाँ लगा दी, यहाँ चिल्लाते चिल्लाते गला दुखने लगा। तो आखिर इतने चिल्लाने की भी क्या जरूरत थी? ये लीजिए। अरे साहब, 1 बरस के बाद तो होम कमिंग सेरेमनी हुई और चिल्ला क्यों रहे हैं? गणेश तू आ गया। जीता जीता सदा स्वागत हो। अंजनी बाबू आप आ गए। अरे माधो बड़ा खुश नजर आ रहा है रे, क्या बात है? अरे आप बनारस से आए हैं, बहुत से मिठाई लाए होंगे। अरे खाने को मिलेंगी। मिलेगी मिलेगी। चल गाड़ी से जाकर सामान उतरवा। गणेश तो आ गया। भैया सफर में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? तकलीफ क्यों नहीं हुई, बहुत तकलीफ हुई। कैसी तकलीफ? खाने पीने की। देवर जी कचोरियां तैयार है, अगर ठंडी हो गई तो फिर मुझे दोष मत देना। एकदम जल्दी चलो। तुम खाने पीने से फुर्सत पा ले? मैं जरा एक केस ठीक कर लेता हूँ, यही ना। अरे मजले भैया, ये किसी तुम्हें एक दिन ले डूबेंगे सच्ची। अरे चल चल। और वो डॉक्टर? डॉक्टर आता ही होगा, तू चल ना। माफ करना, बहुत दिन बाद तुम्हें तकलीफ दे रहा हूँ। ये लखनऊ का मामूली कड़ा देखिए तो, और ये काशी का साधारण, और जीजी ये जो है ना ये आगरे का, ये बहुत कड़ा है जीजी। अच्छा। जीजी के लिए आगरे वाला कड़ा से दही ठीक रहेगा। हाँ हाँ, पान खाने में मजा तो आएगा। ओ भाभी, ओ भाभी, अरे भूख के मारे जान निकली जा रही है। लाती हूँ देवर जी, लाती हूँ। लो सुनो, खाना और भूख और भूख और खाना। ओहो तू क्यों कोसने लगी, जवानी के दिन है, यही तो खाने की उम्र है। ले जाओ। न्योता देने का काम तो एक तरह से निपट गया। रमेश खुद जाकर तुम्हारे ससुराल वालों को न्योता दे आया, और लखनऊ से रमेश के ससुर भी आ गए हैं। अब क्या नाम है उसका, तुम जरा सोच समझ के अपने कोई दोस्त। कोई जरूरत नहीं किसी बात, बस समोसे कचौरी के दर्शन हो जाए तो मैं तो आराम से जाके सो जाऊं। गणेश भैया। अरे डॉक्टर तुम कहाँ रह गए इतनी देर? आज अचानक एक रोगी आ गया था। लेकिन अभी तुम ये सोने की क्या बात कर रहे थे? ये बेवक्त सोने की इच्छा करना तो अच्छी बात नहीं, शायद तुम्हारा ब्लड प्रेशर। खबरदार दिनेश, कोई डॉक्टर अपने घर वालों का इलाज नहीं करता, समझे? भाभी, ओ भाभी, तुम तो खामखा में उतावले हुए जा रहे। धन धन भाग हमारे के दर्शन हुए तिहारे। अरे अरे ये नाश्ता है कि पहाड़? गणेश भैया एक तो तुम वैसे ही बेवक्त सोने की बात कर रहे थे, और उसके ऊपर ये सब कुछ। नहीं गणेश भैया, तुम्हारा ब्लड प्रेशर जरूर नॉर्मल नहीं।
तू चुप रह दिनेश, ये तेरा स्टेटोस्कोप नहीं है कि धीरे से उठाया तो मरीज की छाती पर रख दिया। यहाँ तो हथौड़ा चलाना पड़ता है, हथौड़ा मालूम है? ये भी रख दो भाभी। भाभी कल गणेश भैया का भी वजन कर लेना देवर जी। हाँ बस है? वजन मेरा? ओ, इसका ये मतलब है कि अगर ज्यादा हुआ तो ये कम कर लेगा है? हरगिज नहीं, किसी सूरत में नहीं हो सकता। गणेश भैया, घर में यज्ञोपवीत संस्कार हो रहा है, बहुत सारे मेहमान आए हुए हैं, भीड़ भाड़ काम काज में, भगवान ना करे कहीं तुम बीमार हो गए। बीमार हो गया तो क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अरे काम करेगा तू और काम करेगा ये, मैं तो यहाँ मजा उड़ाने आया हूँ। आराम से खाऊंगा और सोऊंगा और सोऊंगा और खाऊंगा। हाँ हाँ तू खा खा। ए दिनेश, इसे टोक मत भी। आप आए हैं, क्या मुसीबत है? कैसी मुसीबत? नहीं नहीं मुसीबत नहीं, आप बता रहे हैं। ये तो क्या नाम है उसका, हमारा वो भाग्य है। अरे तो रमेश, रमेश आया बड़े भैया। अरे तुम्हारे ससुर जी आए हैं, आपने बड़ी देर लगा दी। देर कैसी देर? नहीं नहीं देर नहीं, क्या नाम है उसका? जी तरह जी तरह ले जाओ, अंदर ले जाके आराम से बिठाओ। मैंने फैसला किया है कि अपना लखनऊ वाला मकान तुम दोनों के नाम कर दूं। लेकिन को दूसरा क्लेमेंट हकदार? क्लेमेंट हकदार? मैं विल करके अपना मकान अपनी बेटी और दामाद के नाम कर दूंगा तो किसकी हिम्मत है, है? किसकी हिम्मत है जो एतराज उठाए? तुम कैसे वकील हो जी? जी तुम्हें डिग्री किसने दी है? या एक झूठी पतल किसने डाल दी? इस पे भी ब्लीचिंग पाउडर डाल डाल, डाल? बुला इनको। ये पानी का रंग लाल कैसे हो गया? शायद शरबत बनाया मेहमानों को। शरबत नहीं तेरा सर, ये पोटेशियम पर मैंगनेट है। क्या कहा बाबू जी? अरे वो सब अंग्रेजी की बातें हैं, अंग्रेजी की, तेरे समझ में नहीं आएगी, तू काम कर। हाँ ये कुंज बिहारी जी। गणेश भी काशी से आया है या नहीं? कलिया। वाह वाह, तुम भाइयों का आपस में जो प्रेम है इसकी भी कोई मिसाल नहीं। तुम्हें देखकर आंखें ठंडी हो जाती, जैसे कलयुग में पांडवों ने अवतार लिया। जी आप तो अजीब बात कर रहे हैं, चलिए। अरे हाँ, बाहर बहुत भारी स्टेज देखा, क्या शहर से कोई ड्रामा पार्टी बुलाई है? जी नहीं, वो हमारा जो छोटा भाई है ना सुरेश, बस उन्हीं के कुछ दोस्त वगैरह। हाँ नौजवानों का प्रोग्राम। हाँ बस क्या नाम है उसका, बस वही है। चलिए दोस्तों, आपको ये सुनकर बहुत खुशी होगी कि आपका स्वागत करने के लिए बहुत ही शानदार जलसे का बंदोबस्त किया गया है। इस जलसे में जगत प्रसिद्ध सरोद वादक खान साहब अली अकबर खान, स्वर सम्राट श्री पंकज मल्लिक, सितार के झंकार से अमृत टपकाने वाले खान साहब विलायत खान, शहद से भी मीठे गायक श्री हेमंत कुमार, सुर ज्ञानी श्री सचिन देव बर्मन, इन सबको बुलाना चाहकर भी हम बुला नहीं सके। सुनिए 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 सुनिए, आपको हताश नहीं होना पड़ेगा। मैं अभी आपके सामने जिसे पेश करूंगा उसे देखकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे। उसका नाम क्या है? नाम बताने की जरूरत नहीं, उन्हें देखते ही आप पहचान जाएंगे। वो अपने जीवन का तजुर्बा आपके सामने बयान करेंगे। वो है आज के सर्व प्रसिद्ध कलाकार। उन्हें बुलाना तो नहीं भूल गए? यहाँ यहाँ। कुए में ठंडा जल में नहाने से गलाठ जरा बैठ गया। कुए में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना। हाँ कुएं में कूद के मर जाना यार, तुम शादी मत करना।
मत करना, मत करना, मत करना, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। देखी दिल्ली की एक लड़की, जिसको देख तबीयत फड़की, मुख से आह निकल गई ठंडी, अंदर अंदर आग सी भड़की। उसका नाम घराना पूछा, उसका ठार ठिकाना पूछा, अपने दिल की उमंगे लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर। अपने दिल की उमंगे लेकर पहुंचा मैं उसके बंगले पर, जाते ही झुक के सलाम बजाया, डैडी को दिल का बयान सुनाया, भोले भाले डैडी बोले। हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, हाँ हाँ जी, अच्छा ख्याल है आपका दीदी, ये मुझको पता अपने बाप का, आपके बाप को चिट्ठी के जरिए बता दूंगा, अच्छा ख्याल है आपका। चाय पिलाओ के ठंडा मंगाओ, अरे चाय पिलाओ के ठंडा मंगाओ, के मुर्गी के अंडे के भुर्जे बनाओ, के चाय पिलाओ के ठंडा मंगाओ, के भुर्जे बनाओ के अंडे खिलाओ। हंसकर जब वो लड़की बोली, मेरे दिल पे चल गई गोली, मेरे मन में बताशे फूटे, आखिर मान गए प्रभु रूठे, तेरी जय जय हो करतार, तेरी जय जय हो करतार, तेरी जय जय हो करतार, हो तेरी जय जय हो करतार, तेरी जय जय हो करतार। अरे बाप रे, इतने में आ गया उसका भाई, कहने लगा ये मुंह और मसूर की दाल पे, निकल जा, निकल जा, निकल जा यहां से चंडाल के बच्चे। उसका भाई था बॉक्सर भारी, उसका भाई था बॉक्सर भारी, उसने की हमले की तैयारी, मैं तो तुमको दबा कर भागा, मैं तो तुमको दबा कर भागा, रास्ते में बोला मन का कागा। क्या क्या, कुएं में, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना, यार तुम शादी मत करना। मुल्ला मुल्ला ही बापा, मुल्ला मुल्ला ही बापा, छुट्टे छेड़े कुंवारे थे हम, जा पहुँचे होनोलुलू, होनोलुलू, वहाँ पे मिस्टर वो कहलाए, यहाँ के भोला सिंह भोलू, होनोलुलू, 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 बाबलू बाबलू बाबलू। ब्रेकफास्ट चाय सोडा वाटर, होनोलुलु, एक नई दुनिया में पहुंचे, वहां से सब ब्रदर सिस्टर, होनोलुलु, 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 और डांस संभा संभा, हे बम चिक बम चिक बम चिक बम, गिटार बोंगा कोंगा, हे बम चिक बम चिक बम चिक बम, वो लड़की थी या बिजली थी, था उसका नाम मिस खंबा, बम चिक बम चिक बम चिक बम, कुछ खेल हुआ कुछ मेल हुआ, दिल फेल हुआ हाय हाय रे, बबलू 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 बाबा बबलू, बबलू बबलू बाबा बबलू, होनोलुलु, 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 बबलू बबलू बबलू। वो रात भयानक काली थी, भौं 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 कुत्ते रोते थे, हम जाग रहे थे बिस्तर पे, भगवान भी शायद सोते थे, आगे पीछे देखा ही नहीं, बुम चिक बुम चिक बुम बुम बुम, कल क्या होगा सोचा ही नहीं, बुम चिक बुम चिक बुम बुम बुम, शादी कर ली, शादी कर ली, मिस खंबा से शादी कर ली।
रोज रात को, फिर रोज रात को शट अप यू शट अप, फिर रोज सवेरे गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट आउट गेट गो गो तू तू मैं यस नो नो गेट आउट गेट गो गो तू तू मैं यस नो नो। फिर एक रात को मैं तो तुमको दबा कर भागा, मैं तो तुमको दबा कर भागा, रास्ते में बोला मन का कागा क्या क्या कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना, हम तो जहां गए होकर खाई कोई न जाने पीर पर आई, राम ने पांचों भूत मिलाए एक मेरी जो बिना मिलाई, मेरा हाल देख डरना यार तुम शादी मत करना, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना, मत करना मत करना मत करना, कुएं में कूद के मर जाना यार तुम शादी मत करना, अन्ना अन्ना। माधव ये बल्ब ले, नीचे गेट के पास जो मिस्त्री है उन्हें दिया अभी। हाँ हाँ जल्दी कर। अरे मारिया तू कहा था, ये ले थाली ले, पान लौंग सुपारी इलायची सब लेकर बाहर के गाने वाले की मंडली में दे आ। अरे पन ये बल्ब फाटक पे देने का है ना। हो ये बाद में दे देना, ये जरूरी है, चल ले 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 जल्दी जा। अरे माधव रसोई से जाके जरा मिठाई ले आ, तो बच्चे खाना खाने बैठे, जरा जल्दी ले आना। छोटे बाबू के दोस्तों के लिए पान इलायची ले जाना है। अरे वो फिर ले आना, जा पहले मिठाई ले आ, नहीं जल्दी से। माधो माधो सुन, जरा ऊपर जाकर अतर लिया ये सब, ये सब पीछे होगा, तू ऊपर तो जा, बड़ी बहू मिजली सिजली छोटी जिससे भी हो जाकर अतर मांग कर ला, अगर अतर नहीं मिला तो मिजले बाबू के जो ससुर है ना वो नाराज होकर चले जाएंगे, वो अतर का प्रबंध जैसे भी हो करना पड़ेगा, तू जा। ओ अकेला मैं किधर देखूं क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ। अरे राजू दे दे मेरे पास, दे राजू के दे। ये क्या है, मेहमानों ने खाया नहीं और तुम चोरी चोरी अपने लिए। चुप रहिए डॉक्टर बाबू, चुप रहिए। चुप क्यों रहूं, डर है मुझे तुम्हारा। आवाज मत कीजिए, जो कुछ देखना है वो खिड़की में से झांक के देख लीजिए। खिड़की में से ले आए महाराज, वाकई ये तो इतने अच्छे फ्राई हुए हैं कि क्या कहना, थोड़ा सा और ले आओ। आयशा मत, तो और लोग क्या खाएंगे। क्या कहा? नहीं मैंने कहा आप चाप खाएंगे या कटलेट। जो कुछ है थोड़ा थोड़ा सभी ले आओ, इतना जो सामने रखा ये तो सिर्फ दांतों में फंसकर रह जाएगा। आप रे दांतों में ही। तभी कहीं नजर नहीं आ रहे थे, ये चोरी चोरी सब चीजें पेट में ठूंसी जा रही है ना। अरे मैं तो चख रहा हूँ कि मेहमानों के सामने क्या खाना जाएगा। ये चखा जा रहा है, जरूर तुम्हारा ब्लड प्रेशर ठीक नहीं, मैं भी देखता हूँ। गोली मार ब्लड प्रेशर को, बैठ जाओ भी खा ले। नहीं मैं ब्लड प्रेशर देख लूंगा। ये ले फिर तू ब्लड प्रेशर देख। अरे माधव पसले बिज गई, जा मेहमानों को बुला ला। अरे दूध मैं अकेला क्या क्या काम करूं, जा जल्दी कर। हाँ जा जल्दी कर। मेरा मतलब है इश्यू फैक्चुअली मॉर्टगेज, जो जायदाद बंधक रखी गई हो कानूनन उस जायदाद। मजले बाबू खाना परोस दिया गया है, मेहमानों को ऊपर भेज दीजिए जल्दी से। ये बात हुई ना, चलो चलो। मैं आपको मॉर्टगेज लॉ जो समझा रहा हूँ समझ लूंगा, बाद में समझ लूंगा, इतने लोगों को देर हो रही है, ये लोग अपने अपने घर जाएंगे या नहीं। घर में तीन तीन गाड़ियां हैं, इनको पहुंचा दिया जाएगा। बैठिए बैठिए, आप भी थोड़ी देर बैठिए। छोटे बाबू छोटे बाबू चुप चुप, क्या खाना लग गया है इनको, ऊपर भेजो खाने के लिए। अभी हमें देर है, तू जा। अरे क्या जा, आधी रात हो गई, आखिर लोग खाना कब खाएंगे। अभी तो 11 बजे हैं, संगीत की बैठक तो दरअसल आधी रात के बाद ही जमा करती है,
और डर किस बात का? घर में तीन तीन गाड़ियां हैं, सबको गाड़ी में भेज देंगे। चल चल तू अपना काम कर। लो कृष्ण, लो हुई मुसीबत। ये देखो, आप यहाँ बैठे शतरंज खेल रहे हैं और वहां मेहमान भूख के मारे गुस्से से जल रहे हैं। तो दुबार के पानी डाल देना। काफी देर हो चुकी है, चलिए उठिए, खेल बंद कर दीजिए। आखिर मेहमान खाना खा के घर भी जाएंगे या नहीं? अरे उनको गाड़ी में भेज देंगे। सबकी एक ही बात, गाड़ी में भेज देंगे। मुझे क्या पड़ी है। अच्छा, ओहो 11 बज गए भाई, चलो फिर अब चलें। चलेगा, खाना तो अभी खाया नहीं। यही तो मैं भी कह रहा हूँ कि 11 बज चुके और खाने का नाम ही नहीं। अब भी खा तक चलें तो अच्छा है, शायद वो एक आध होटल खुला मिल जाए, वरना इसके बाद तो वो भी। अब तो सचमुच ही जा रहे हैं। और नहीं कि तो क्या, ये अजीब मजाक रहा। हम यहाँ बैठे हुए हैं और कोई आदमी खाना तक पूछने के लिए नहीं आया। आप नाराज होते हैं, बैठे तो सही। अरे भाई, नाराजगी की तो बात ही है, यानी हम मेहमान है मेहमान, समझे ना, और मेजबान का कहीं पता ही नहीं है। हाँ तो 10 मिनट और बैठिए, अगर कोई नहीं आया तो हम भी आपके साथ चलेंगे। बड़ी मालकिन, छोटी मालकिन, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए, जल्दी चलिए। तू तो ऐसे चिल्ला रहे कि जैसे कहीं से डाकू आ गए। अरे डाकू आते तो मैं किसी खटिया के नीचे छुप जाता और सांस तक नहीं लेता। ये तो उससे बड़ी मुसीबत है, बड़ी मुसीबत। चलिए चलिए। हुआ क्या? अरे क्या हुआ, सारे मेहमान नाराज होकर बगैर खाए जाना चाहते हैं। और सब बाबू लोग कहाँ हैं? बाबू लोग, अरे बड़े बाबू शतरंज खेल रहे हैं, मझले बाबू ससुर जी को कानून सिखा रहे हैं, छोटे बाबू गानों में मशगूल हैं, और डॉक्टर बाबू सारे घर के अंदर दवाइयां छिड़क रहे हैं, और इंजीनियर बाबू का तो कहीं पता ही नहीं है। सुना जी जी, चलो मेरे साथ। और कहाँ, अब हम ही जाकर मर्दों को खाने के लिए बिठाएंगे, जो काम ना देखो उसी में घोटाला। चलो जल्दी। देखा महाराज, कुछ आया समझ में? हाँ, आपसे बहुएं कोर्ट कचहरी में जाया करेंगी और बाबू लोग। ठीक है, तो बहुएं कोर्ट गई। अरे क्या हो गया, आज सवेरे से एक प्याली चाय तक नहीं नसीब हुई। ओहो, इतना उधम क्यों मचा रहा है? क्या नाम है उसका, कल रात को 2 बजे तक सब बिचारी काम में उलझी रही, आज सुबह उठने में देर होगी। देर वो क्यों जी, हम भी तो काम करते रहे जी तोड़कर। बेशक काम तो बहुत किया आपने, अपने दोस्तों के साथ बैठकर लंबे लंबे फरमान जारी करना, आखिर ये भी तो एक भारी काम है। बाजी, अपने ससुर यानी तुम्हारे पिताजी को मॉर्टगेज लॉ यानी। जी हाँ जी हाँ, सबसे जरूरी काम तो कल यही था। ले दनेश सुन ले, भाभी क्या इल्जाम लगा रही है, कहती है कि हमने कोई काम ही नहीं किया। अरे साहब, ये ला वो ला, इधर जाओ उधर जाओ, ऊपर जा नीचे जा, ये उठा वो रख, काम करते करते तो हमारा कछुमर निकल गया, और आप कहती है कि हमने कोई काम ही नहीं किया। हमने काम नहीं किया तो फिर किसने किया सब कुछ? कल रात कितने आदमियों की दावत थी, कितनी चीजें बनी थी, मगर कोई बीमार हुआ? मैंने खुद रसोई घर में जाकर बरते जाने वाले पानी तक को डिसइंफेक्ट कर दिया था, इसीलिए कोई बीमार तो क्या होता, किसी को बदहजमी तक की शिकायत नहीं हुई। बिल्कुल ठीक है, आज वक्त की पूरी तरह पाबंदी करते हुए हम ब्रेकफास्ट टेबल पर आ पहुंचे। मजाल है एक मिनट इधर उधर हुआ हो, इसे कहते हैं 5 भाइयों की यूनिटी। अरे अरे, ये क्या किया, इतना ज्यादा नाश्ता कर लिया तो मुझे खाना नहीं खाया जाएगा? ओहो, जरूर खाया जाएगा, बासी पूरी और गुलाब जामुन का रस, फर्स्ट क्लास कॉम्बिनेशन। भाभी, अगर वकील भैया नहीं खाते हैं तो मुझे दे दीजिए। गणेश भैया, तू चुप रह रहे डॉक्टर। क्यों चुप रहूं, आज तो तुम्हें मैक्सेल्फ की एक डोज लेनी ही चाहिए। हाँ, मैक्सेल्फ यानी जुलाब? हाँ जुलाब। आई रिफ्यूज, आई टोटली रिफ्यूज। भाभी भाभी सुनो, आज मैं रसोई में गया था ना तो बहुत सी दही बची हुई है, मैं कहता हूँ कि आज रायता और दही बड़े हो जाएं, लजीज भी होते हैं और हाजमे के लिए भी अच्छे होते हैं, मगर रसोई से कह दीजिएगा जल्दी बना दे, वकील भैया को कचहरी जाना है। रहने दो देवर जी, और तो शायद कभी कोई कचहरी गया ही नहीं। अच्छा सुनो, घर में कोई उत्सव हो तो एक दिन की छुट्टी तो ली जा सकती है, पर नहीं, इन्हें तो बस कचहरी और रुपए, बाकी दुनिया से तो मतलब ही नहीं। जो बात तुम नहीं जानती उसमें दखल क्यों देती, जिससे जितनी मेहनत हो सकती है करता है, तभी ना इतने बड़े परिवार का अनलिमिटेड खर्चा चलता है। वरना 10-10 नौकर, नौकरानियां, 3-3 मोटरें, बग्गी, कभी सोचा है खर्च के बारे में? हमारी फैमिली जैसी है, मैं कहता हूँ तुम मिसाल भी नहीं दे सकती हो। आई सेकंड यू। यस, वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। देवर जी जरा हिंदी में बोलो तो मैं भी समझ लूं। यानी गणेश कह रहा था, हम सब भाई एक दूसरे के लिए जीते हैं, भाइयों का आपस में इतना प्यार कभी किसी ने देखा है? हरगिज नहीं। आजकल तो घर घर में लड़ाई झगड़े और फूट,
जिसको देखो बंटवारे के चक्कर में पड़ा हुआ है, और एक हम पांच भाई हैं कि लड़ाई और झगड़े के समंदर में से किस खूबसूरती से अपनी नाव खेते हुए चले जा रहे हैं। लाख रुपए की बात कही है। मैं कहता हूँ घर गृहस्थी को ठीक तरह से चलाने का सारा दारोमदार हम मर्दों पर ही है। हाँ मालूम है, इस बात का सबूत तो कल रात को ही मिल गया था। अगर हम न होते तो आधे से ज्यादा आदमी नाराज होकर बिन खाए ही चले जाते। खिलाने पिलाने का काम तो तुम औरतों का है, हम मर्द इसमें क्यों पड़े? हमारा काम है रसद जुटाना, रसद, इसके लिए हम तुमसे कुछ कहते हैं। तो आप क्या चाहते हैं, हम औरतें भी कोट पतलून पहनकर कचौरियों के चक्कर काटने लगे? ओहो, तुम चुप रहो मछली बहू। लेकिन भाभी कोट पहन में तुम जचोगी बहू। जश्न तक ही रहने दो, दिमाग तो। तुम सब मिलजुल कर परेशान क्यों कर रहे हो मंजली बहू को? मंजली भाभी किसी से कम नहीं है। अरे 8 बज गए भैया, मैं चला। अच्छा अच्छा, अरे मेरे कलम कहाँ गई? जरा आंखें खोलकर तो देखिए मेरे वकील साहब। जनाब पता है 9 बज चुके हैं। अरे 9 बज गए, ड्राइवर ने गैराज से गाड़ी निकाली है, मुझे निकालनी पड़ेगी। गाड़ी तो कब से खड़े हुजूर का इंतजार कर रही है, तुम तो खामखा बिगड़ जाते हो। हर रोज इतनी दूर जाने की जहमत तुम क्या समझोगी, वो तो मैं ही हूँ जो निभाए चला जा रहा हूँ। तो बड़े भैया से कहकर कचहरी के पास एक मकान क्यों नहीं खरीद लेते? जी हाँ, औरतों की बातें सुनने लगे तो पुरखों का मकान छोड़ छाड़ कर भाइयों से अलग तलग मैं मकान बनाऊं कचहरी के नजदीक और गणेश बनाए काशी में। जोरू के गुलाम होते तो ऐसे ही करते। महाराज तुम जरा बाहर जाओ तो। इतनी बड़ी कढ़ाई कौन उतारेगा? मैं उतार दूंगी, तुम जाओ तो सही। अच्छी बात है। चंपा तू भी जा। क्या बात है? अब भी बताती हूँ। छोटी वो दरवाजा बंद कर ले। तो जैसे तू वो दरवाजा बंद कर ले। परेशान कर रखा है, आखिर बात क्या है? एक जरूरी मीटिंग करनी है। मीटिंग? हाँ, कब? यहाँ इसी वक्त। इधर जल्दी कर जल्दी। क्या बात है महाराज? अरे अरे आप कुछ कहिए ना, यहीं बैठ गए। छुट्टी हो गई। छुट्टी हो गई? बीड़े दे दो। इस घर की नस तो हमसे नहीं पहचानी जाती भाई। मजली मार्किन ने किचन में आते ही कह दिया बाहर जाओ और झट दरवाजा बंद कर दिया। हाँ। और चंपा को भी बाहर निकाल दिया। इसको बेचारे को कश आ रहा है। अभी गधे घबराता क्यों है? मालकिन ने दरवाजा बंद करके बासी पूरी और आम की चटनी खा रही होंगी। ठीक है ना? बासी पूरी और आम की चटनी? अबे हाँ, बड़ी घर की मालकिन, हलवा पुलाव नहीं पसंद है उन्हें। अरे उन्हें तो बासी पूरी और आम की चटनी दे दो, बस जी भर के धड़म धड़म बस खाते ही जाते हैं। तुम सब न जाने क्या करने पर चली हुई हो, तुम्हें तो हर बात में डर लगता है। जीजी मंजली जीजी ठीक कहती है, बात बात में सब भाई मिलकर हम पर रोब जमाते हैं। इन्हें सबक मिलना ही चाहिए, लेकिन इन्हें समझा देना चाहिए कि इन भाइयों का जो आपस में प्यार है वो इसीलिए कायम है कि हम बहुएं अच्छी है और हमें भी मेल है। लेकिन ये सब मुझसे कैसे होगा, हम सब मिलकर ठीक कर लेंगी। तुम इसकी बिल्कुल चिंता ना करो जीजी। चिंता तो सिर्फ इस छोटी के कारण उठ खड़ी हो सकती है। दिन रात या तो छम 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 या फिर न जाने अब क्या कर बैठेगी। हंसी आ गई तो क्या करे, दो चार दिन ज्यादा से ज्यादा एक हफ्ता गंभीर रहना। अगर छोटे देवर जी के सामने इसी तरह हंस दी तो तुझे संदूक में बंद कर तुम्हारे मायके भेज दिया जाएगा, समझी? मालती तुम भी होशियारी से रहना। अरे तुम मेरी तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहो, स्कूल में थी तो ड्रामे किया करती थी, अरे एक्टिंग तो ऐसी फर्स्ट क्लास करती हूँ कि बस। खबरदार जयश्री, देवर जी के सामने अगर छोटी छोकरी की तरह इधर उधर कूदती फंदती फिरी तो मैं तुझे भी। अजी नहीं, हरगिज नहीं, मैं हूँ बनारस की रहने वाली, मजा ले जो दिल की बात जुबान पर आ जाए। लेकिन आखिर ये सब हंगामा खड़ा करने की क्या जरूरत है, मुझे अच्छा नहीं लगता। महाराज तुम रसोई छोड़ के कहाँ चले गए, कढ़ाई नहीं उतारोगे? न जाने क्या से क्या होगा। तुम इस बात का डर छोड़ दो जीजी, एक लोटा चाय पीकर चार बीड़े पान के मुंह में ठूस, ऊपर से आगरे का कड़ा जर्दा फाक, मस्त होकर बैठे। क्यों महाराज क्या देखते हो? आम की चटनी। चटनी? माधव ने कहा ना। क्यों, अफीम की पीने का अभी तक कम नहीं हुई? जा
कढ़ाई होशियारी से उतारना। अच्छा सुनो, बड़ी जीजी के बच्चों को मैं तुम्हारे कमरे में सोने के लिए भेज आई हूँ, और बड़ी जीजी ने दरवाजा कर लिया है बंद। अब तुम जाकर कमल को अपने कमरे के बाहर निकाल देना, फिर देखे कैसे रंग जमता है। क्यों जी, सो गए क्या? कोशिश कर रहे हैं अभी। तुम्हारे पांव दबा दो जरा। आज ये अचानक मोहब्बत कैसे उमड़ आई भाई? नहीं, कल रात को काम की भरमार रही ना, शायद थक गए हो। ऐसी कोई बात नहीं है, रह गया कि तुम्हें पैर दबाना है तो ये दबाओ, तुम जरा जोर से दबाओ भाई। तू चला क्यों आया? कहाँ सो? मछली ताई के कमरे में जाके सो ना। मछली ताई जी के कमरे में अरुण और उषा वगैरह सो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़ी ताई जी के कमरे में जाकर सो, पर उनका दरवाजा बंद है। ओ, अच्छा अच्छा अच्छा, तो तू जाकर मुन्ने के साथ सो जा। जा। मैंने कहा सुनते हो जी? बहुत परेशान करती हो, सोना है तो सो जाओ, इसमें नोटिस देने की कौन सी बात है? नोटिस मैंने नहीं दिया, दिया है मंजली बहू ने। कमल हमेशा से उन्हीं के पास सोता चला आ रहा है, और आज उसके लिए जगह ही नहीं रही वहाँ। तो जगह क्यों नहीं है? ये मुझे कैसे पता हो सकता है? बस इतना सुना है कि आज बड़ी जीजी के बच्चों को लेकर सो रही है। बच्चों ने खुद ही कमल को परेशान किया होगा। लेकिन ये भी तो बात ठीक नहीं है, हम तो सदा बाहर ही रहते हैं, और कमल को मंजली बहू और बड़ी मालकिन के भरोसे पर ही तो छोड़कर जाते हैं। अगर वो ही लापरवाह हो जाए और उसका, लो तुम तो मस्त होके लगे खुर्राटे भरने, पर मैं माँ हूं, मुझे कैसे नींद आ सकती है? पढ़ाई लिखाई के लिए बच्चे को यहाँ छोड़ जाते हैं, और अब उसे आदत पड़ गई है मंजली के पास सोने की, उसे क्या अब इस कमरे में नींद आएगी? खैर जी, मंजली की बात तो चलो छोड़ो, बड़ी मालकिन की अकल पर भी पत्थर आ पड़े हैं क्या? कमल उन्हीं के पास सो सकता था, पर नहीं, उन्होंने तो पहले ही दरवाजा बंद कर लिया। उफ, दुहाई है तुम्हारी, 2 मिनट बाद ही सो लेना, पहले जरा मेरी बात तो सुन लो। सब सुन, तुम कौन? कहूँ क्या, अपना सर, अपने हक पर अपना हक कायम रखना सीख जाओ तो भी गनीमत है। हाय राम, आज जो मेरे बच्चे पर बीती है, भगवान किसी दुश्मन को भी यह दिन न दिखा रहे हैं। आज रात मेरा बच्चा तक यहाँ नहीं है चला। आपके इंजीनियर भाई की बीवी साहिबा तो बस आजकल हवा के घोड़े पर सवार रहती हैं। तो अच्छा ही है। मन की खोटी, कल रात को बड़ी जीजी के बच्चे हमारे कमरे में सोने आए, उन्होंने देखा बस चढ़ गया पारा, बरस पड़ी, जो मुंह में आया उगल दिया बेखट के। अच्छा, कहने लगी हमारा बेटा कमल तो तुम्हें फूटी आंखों नहीं सुहाता, जीजी तक को उससे जलन होती है। ओ। चंपा, राजू को दे जा यहां। मैंने तो अपनी जुबान तक नहीं हिलाई, पर उनका क्रोध बढ़ता ही गया, रख दिया धड़ाक से एक बॉम्ब। सब बातों का खुलासा यही था कि अब वो कमल को हमारे पास नहीं रहने देंगे, और जायदाद का बंटवारा करवा के ही रहेंगे। क्या कहा, बंटवारा? बंटवारा इतनी आसानी से नहीं हो सकता, हिंदू जॉइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार,
बंटवारा करते वक्त बड़े से बड़े बैरिस्टर भी चकरा जाते हैं। उत्तराधिकार की बात है, यानी वारिस की, दया भाग, मिताक्षरी, और अगर देवत्तर हो तो बस फिर कोई तरकी भी नहीं। मेरा क्लाइंट मिस्टर एक्स इसी बंटवारे के चक्कर में पड़कर बिल्कुल डावाडोल हो गया। दिन को तारे दिखाई देते हैं उसको। तुम तो मुझे भी दिन में तारे दिखाने लगे। कचहरी जाओगे या खड़े खड़े मुझे कानून सुनाओगे? अरे हाँ, बहुत देर हो। क्यों जीजी, कैसी रही? बहुत बुरी। मैं एक घंटे तक चिल्ला चिल्ला कर झूठा नाटक करती रही और उसके बदले में वो मुझे कानूनी सिखाने लगे। तुम्हारा क्या समाचार है? मेरा समाचार? मुझे भी बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी। मैं बैठी वक्ती रही और वो कुंकर्ण की तरह लेटे खर्राटे भरते रहे। अब बस एक ही तरकीब बाकी है। क्या? अगर बड़ी जीजी साथ दें। बड़ी जीजी से कुछ नहीं होगा। तुम चलो तो सही, मुझे एक नई तरकीब सूझी। महाराज कहाँ चलती? ये आ गई, अब हुक्म कर देंगी बाहर जाओ तो मैं पहले ही। जाइए जाइए। जीजी ये क्या दिन रात रसोई घर में कुछ ना कुछ करती रहो? मैं पूछती हूँ कमल के यज्ञोपवीत में हमें मिले नए गहने और तुम्हें तो कुछ नहीं मिला, ये क्या ठीक हुआ? अब मुझे क्या जरूरत है नए गहनों की? तुम्हें जरूरत ना सही पर हमें है। आज रात को बड़े भैया से नए गहनों की फरमाइश करनी ही पड़ेगी। नहीं नहीं, ये सब मुझसे नहीं होगा। होगा जरूर होगा, जैसे ही भैया कमरे में दाखिल हो तुम करवट बदल लेना। बस मैं कहती हूँ मुझे परेशान मत करो, अब इस बुढ़ापे में। बुढ़ापा काहे का जीजी, जरा सा मेकअप कर लो तो बस। हम तुम्हें अच्छी तरह सजा देंगे। हाँ। जी जी। मैं गंगा में डूब मरूंगी तो हम तुम्हें पानी से बाहर घसीट लाएंगे। मैं कहती हूँ मछली, ये अच्छा नहीं होगा। मैं के चली जाऊंगी तो हम भी तुम्हारे साथ चलेंगी, लेकिन गहनों की फरमाइश करने के बाद। लिपस्टिक लाई है ना? हाँ हाँ जी जी लाई हूँ। अच्छा अच्छा, आखिर तुम सब मुझे बना क्या रही हो? दिखाई नहीं दे रहा क्या हो रहा है? जी जी चलो जल्दी करो। एकदम पर्फेक्ट। चलो जीजी अब जाकर अपने पलंग पर सो जाओ। सो कैसे जाऊं? वो तो अभी नहीं आए। अगर एक दिन उनसे पहले सो भी जाओ तो क्या पाप लगेगा? चलो, जब चलो। बहुत खुशामद करे तब जाकर बोलना है। क्या क्या बोलोगे याद है ना? मुझे तो सारी बातें भूली जा रही है, मैं ये सब याद नहीं रख सकती। मुझे मालूम ही था तुम भूल जाओगी इसलिए मैं लिख कर लाई। ये देख लो, अगर भूल भी जाओ तो इसमें से देख लेना, समझे? चलो 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 जल्दी चलो, अब बड़े भैया आते ही होंगे। चलो ऊपर तमाकू ले जा। अरे चलो वहां से चलो। देख तो क्या नाम है उसका, शायद मैं अपना कमरा खुला ही छोड़ आया हूं, उसे बंद कर देना। बच्चे नहीं दिखाई देते, आज कहां सो गए हैं सब? बड़ी बहू तुम इतनी जल्दी, तबीयत तो ठीक है ना? मैं किस गिनती में हूं? क्या मैं और क्या मेरी तबीयत? तुम क्यों चिंता करते हो? क्या नाम है उसका, तबीयत खराब हो तो चिंता नहीं होगी। अरे डॉक्टर तो घर ही में है। मैं तो नौकरों चाकरों से भी गई बीती हूँ, मेरी परवाह ही कौन करता है। कैसी बातें करती हो, अरे तुम तो इस घर की मानो, तुम ही तो हो सब कुछ इस घर की। जरा मुंह तो फिराओ इधर, बताओगी नहीं तो कैसे पता चलेगा? मिन्नत करता हूँ करवट बदलो, जरा सुनो तो सही। क्या मुझे किसी भी चीज का शौक नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए, बताओ तो सही क्या चाहिए तुम्हें? बस क्या नाम है उसका, सुबह होते ही मैं सब इंतजाम कर दूंगा। पक्की बात? हाँ बिल्कुल पक्की। ये बताओ मैंने आज तक तुमसे कोई झूठी बात कही है? मुझे यानी मैं? हाँ हाँ बेखट के कह दो। यानी कि एक साइकिल। साइकिल? हाँ हाँ वो जो तीन पहियों वाली होती है ना, वो साइकिल अपने राजू के लिए। बस इतनी सी बात है? क्या नाम है उसका, मैं कल सुबह ही मंगवा दूंगा। जी जी तुम भी बस अजीब हो, करना क्या था और कर क्या गई, बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। तुम लोगों ने तो नाक में दम कर रखा है, मैं मर भी जाऊं तो ये बात मुझसे नहीं होगी। बाबा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मुझे इस झमेले में मत डालो। तुम्हारे किए कुछ नहीं होगा, अब के मुझे और छोटी को कोशिश करने दो। तुम दोनों ये काम कर सकोगी? जरूर कर सकेंगी, तुम हमें एक चांस तो दो
और फिर तुम्हारे देवरों के लिए हम अभी पुरानी नहीं हुई हैं। हाँ, पर शर्त यह है कि बड़ी जीजी को बात करने की एकदम मनाई, बस मुंह सीकर बैठना पड़ेगा। उसकी जिम्मेवारी मैं लेती हूँ। महाराज बाहर जाओ, मीटिंग हो रही है। अरे हर वक्त मीटिंग मीटिंग, तो ईटिंग कब होगा, खाना कब बनेगा? मालती दरवाजा बंद कर ले। ये लो। दस बज गए, आखिर इस छोटी को हो क्या गया है, कहीं भूल तो नहीं गई? जरा सबर करो ना। झिर 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 बजरो बरसी है तारे तारे, झिर 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 बजरो बरसी है तारे तारे। तुम्हारा भी जवाब नहीं देवर जी, इस आधी रात के वक्त महफिल जमी हुई है और गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया जा रहा है। वो भाभी ये हार्ट की बातें हैं, कला की, इसके साधना के लिए तपस्या करनी पड़ती है। हाँ जी, मुफ्त की मिले तो कौन काम करे, बाकी भाई जो है काम करने और खून पसीना एक करने के लिए। तुम बस बैठ कर खाओ पियो, मौज उड़ाओ, कला की साधना पर लेक्चर झाड़ दिया करो। तुम्हारी ये साधना पूरी हो जाए तो जाकर हमें सोने का मौका मिले। मछली दीदी, मछली दीदी। हाँ ठीक ही कहा है मैंने, मुझसे झगड़ने के बदले अपने पति देवता को समझा कि कहीं नौकरी खोजे, किसी काम लगे, निठल्ले कहीं के। बात क्या है, आज मछली भाभी का मिजाज? बड़े घर की बेटी है, मिजाज क्यों ना दिखाए। तुम्हें तो आज ही देखने का मौका मिला, लेकिन इनके गुस्से के मारे मेरा तो जीना ही हराम है। क्यों, क्या बना? एक खोजा तो मारा ही हूँ, अब देखे क्या होता है। क्या नाम है, एक अजीब सी उलझन आ पड़ी है। क्या बात है,
बैठो भैया। नहीं 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 बैठूंगा नहीं बैठूंगा नहीं। बात यह है, राजगंज में सेटलमेंट कैंप चालू हो गया और इधर मुख्तार जी गए भी हैं छुट्टी पर, हम में से ही किसी को जाना होगा। सोच रहा था कि मैं ही चला जाऊं, लेकिन कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ गिरी गिरी सी मालूम होती है। गिरी गिरी सी रहती तुम्हारी तबीयत? वो दिनेश क्या करता है, दवा भी नहीं दे सकता है? दिनेश नहीं, ओ दिनेश, ऐसी कोई खास खराबी नहीं है। तुम तो अपने काम के बोझ से लदे पड़े रहते हो, इसीलिए सोच रहा था आखिर किसको भेजा जाए। मेरे ख्याल में छोटे देवर जी तो सारा दिन घर ही पे रहते हैं, अगर उन्हें भेज दिया जाए तो कैसा रहे? नहीं बहू नहीं, वो बेचारा तो अभी बच्चा ही है, और फिर उसका गाने का रियाज उस ठेठ देहात में। देहात? देहात में क्या आदमी नहीं रहते? वो क्या हमेशा बच्चा ही बना रहेगा? तुम्हारी उम्र भी तो बढ़ रही है, तुम्हें आराम की जरूरत नहीं? सुरेश, ओ सुरेश, सुनो तो सही, उसे क्यों बुला रहे हो? ये जमीन जायदाद की बातें हैं, वो भला इसमें क्या समझेगा? लेकिन धीरे धीरे सबको सीखना तो चाहिए। तुमने ठीक कहा बहू रानी, तुम्हारी बात 16:15 आने, उसी को भेज दिया जाए। मुझे बुलाया है भैया? हाँ बुलाया है। तुम लोगों ने क्या सोच रखा है, वो दिनेश दवाई नहीं देता, तुम्हें जमीन जायदाद देखने की फुर्सत नहीं, अकेले बड़े भैया हो गई। मैं जमीन जायदाद के बारे में क्या जानूं? बड़े भैया ही। हाँ बड़े भैया ही जिंदगी भर सारा बोझ ढोते रहेंगे, उनके शरीर को भी तो आराम चाहिए। जाओ सुबह रवाना हो जाओ। अच्छा मगर कहाँ? मुझे क्या पता, बड़े भैया से पूछ लो। बात यह है कि कई दिनों से मेरी तबीयत कुछ सुस्त है, इसीलिए मजली बहू और रमेश तुम्हें राजगंज भेजना चाहते हैं, तुम कल चले जाना। चला जाऊंगा भैया, इसमें कौन सी मुश्किल है? इसमें मुश्किल क्या है, कह देना मैं तुझसे बहुत जलती हूँ। तेरा गाना बजाना तेरी खुशियां में फूटे आंखों नहीं देख सकती, सिर्फ तुझे सताने के लिए ही मैं छोटे देवर जी को उस मच्छरों से भरे गाँव में भेजना चाहती हूँ। जा जा अपने कमरे में जा, जाना वो आ रहे हैं। तुम्हें मुझसे जरा सा भी लगाव नहीं रहा, इतना सा भी नहीं। वहा मेरी सरकार, आज ये नया इल्जाम कैसे थोपा जा रहा है मुझ पर? और नहीं तो क्या, मैं साफ देख रही हूँ आजकल तुम मेरे नाच और गाने की तरफ से बिल्कुल लापरवाह हो गए हो, कोई नई चीज सिखाते ही नहीं। लेकिन अब नहीं छोड़ूंगी, कल से एकदम बाकायदा सिखाना शुरू करो। कल से नहीं, मुझे राजगंज जाना है कुछ दिनों के लिए। राजगंज? अचानक ये राजगंज का क्या काम आ पड़ा? वही जमीन जायदाद के बारे में। ओ अच्छा, तुम्हें एक बात पूछूं, तुम्हें राजगंज भेजने का चक्कर मजली जी जी और मजले भैया ने चलाया है ना? शायद, लेकिन तुम्हें कैसे पता चला? पूछने से फायदा, घर में बेकार बैठे रहते हो तो बड़े भाइयों के हुक्म तो बजाने ही पड़ेंगे। बेकार? तो मुझे बेकार रहने का शौक है क्या? इलाहाबाद से प्रोफेसरी के लिए मुझे बुलाया था यानी, उस वक्त मेजले भैया और भाभी नहीं तो मुझे जाने से रोका। तब शायद तुम्हारे बड़े भाइयों को तुमसे कुछ प्यार था। अच्छा इस जमींदारी के काम में तुम्हें कम से कम 10-15 दिन तो लग ही जाएंगे ना? हाँ वो तो लग ही जाएंगे। तो फिर मैं तुम्हारे बिना अकेले कैसे रहूंगी? तो फिर किया ही क्या जाए। ठीक है मुझे मायके भेज दो। अच्छा तो बड़ी भाभी से एक बार पूछ लो। क्यों बड़ी भाभी से क्यों पूछूं, हर बात में खाली बड़ी भाभी बड़ी भाभी बड़ी भाभी। सुनो तो। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। अजी मुसीबत है, सोचा था जरा बेफिक्री से गाना बजाना ही होगा, पर कहा तुम्हें तो तब। ना ना मेरे लिए तुम्हें जरा भी सोचना नहीं पड़ेगा, तुम जहाँ जी चाहे वहीं जाओ, जो मर्जी वही करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। कहोगी नहीं? मैंने जरूर कहोगी, 1000 बार कहोगी। मैं वहां नहीं जा सकता, वो जमीन जायदाद का देखभाल जो कर रहा है वही जाए, मुझसे ये सब नहीं होगा। अरे वाह आज राजू तुम्हारे पास कैसे? क्यों क्या मैं बच्चे को प्यार नहीं करती? नहीं नहीं ये बात नहीं है, मैंने तो इसलिए कहा था कि ये तो सबसे बड़ी भाभी का खास डिपार्टमेंट है। हेलो राजू अब दूध पी ले। अरे कितना सा दूध? तुम तो सिर्फ रूल बना देते हो, 50 औंस तो 50 होते हैं, यहाँ तो 5 औंस दूध भी बच्चे के पेट में जाना मुश्किल है। क्यों भला?
क्यों क्या? चंपा ले जरा राजू को नीचे ले जा। आओ बेटा चले। घर में सिर्फ तुम्हारा ही बच्चा तो नहीं, और भी तो बहुत से हैं। ये खूब रही। अरे दूध तो उसके लिए स्टेपल फूड है, स्टेपल फूड। कहना तो नहीं चाहिए, पर भगवान ने बच्चे भी तो बड़ी भाभी को ज्यादा दिए हैं। सो दूध उबलते ही तीन एक शेर तो पहले उन्हीं के कमरे में पहुंच जाता है, और जो बाकी बचता है उसमें पानी वानी मिला के। क्या कह रही हो, दूध में पानी मिलाकर? नहीं नहीं, दूध तो उसकी सबसे बड़ी खुराक है। ऐसे ही होता है बड़े बड़े कुंभों में। बच्चा भूखा रो रहा था, पर मैं कभी कहती हूँ ऐसी छोटी मोटी बातें तुमसे? मर्दों के कानों में ऐसी बातें पड़ी कि बस फूट के बीच पनपना शुरू कर देते हैं। तो क्या मेरे इकलौते बेटे को पूरा दूध भी नहीं मिलेगा? तो क्यों नहीं कर लेते दूध का अलग इंतजाम? सिर्फ बोल देने से अलग इंतजाम थोड़ी हो जाता है, उसके लिए तो। अच्छा तुम्हारा हिस्सा पुरखों की इस जायदाद में से होने वाली आमदनी में कुछ है या नहीं? चलो जाने दो, मुझे क्या लेना है इन सारी बातों से? तुम्हारे ही तो भाई भावज हैं सारे, जो ठीक समझेंगे करेंगे। अरे नहीं जी, सबसे पहले बच्चे की सेहत की जिम्मेदारी जो है हम पर। दूध उसके लिए खास खुराक है, और उसमें भी पानी मिला हुआ, और वो भी हिस्से में सिर्फ 5 औंस। मैं ये हरगिज बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं अभी जाकर फैसला करता हूँ। तुम जो फैसला करोगे वो तो मुझे पता ही है। क्या मतलब? मतलब क्या, तुम तो सिर्फ अपने कमरे में आकर अपनी बीवी ही को डांट टपट सकते हो। दिमाग कितना गर्म हो गया है, ठहर ठहर मैं हवा करती हूँ, बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। हाँ रहने दो, नहीं होना मुझे ठंडा। मैं आज सब बातों का फैसला कर लेता हूँ, मुझे किसी का डर नहीं। भाभी भाभी ये क्या रसोई में जूते? रहने दो, ये दकियानूसी बात है। भाभी राजू कितना कमजोर हो रहा है, कुछ गौर किया है? उसे दूध भी ठीक तरह से नहीं मिलता। लेकिन मैं अपने सामने। सामने तो तुम होती हो भाभी, मगर किशन जब दूध के अंदर पानी मिलाता वो देखा है कभी? पानी मिलाता है? हाँ। किसने कहा? आ इतने बड़े कुंबे में दूध में अगर जरा सा पानी मिला भी दिया तो क्या हुआ, मर्द होकर तुम भी बस। तो मर्दों में क्या जान नहीं होती? मैं कहता हूँ जिनको ज्यादा दूध की जरूरत हो वो अपना अलग से इंतजाम करे। मेरा मतलब है कि चुप भी रहो जीजी, अगर औरतों की तरह कमर कस के झगड़ा ही करने आए हो तो कहना पड़ता है कि मेरा कोई बखेड़ा है ही नहीं। अगर बड़ी जीजी की तरह भगवान मुझे भी 5-7 बच्चे देते तो तुम्हारे बच्चे को तो सिर्फ पाने पे गुजारा करना पड़ता। पड़ता नहीं, पड़ रहा है। बच्चा बुरी तरह से रो रहा था, मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो सकता। मैं कहता हूँ आज से बच्चा ऊपर रहेगा, और उसे दूध भी उसकी माँ पिलाएगा। देवर जी। बड़ी भाभी मैं तो सिर्फ ये कह रहा था कि राजू को दूध बराबर मिले, इस बात का तो आप सब लोगों को ख्याल रखना चाहिए। हाँ, कोई बेइंसाफी की बात तो कहीं नहीं। तुम अपने 4 बच्चों की देखभाल करने के बाद ही तो मेरे राजू का ख्याल करोगी ना, तो इससे अच्छा दूध का अलग इंतजाम कर लिया जाए। और अगर ये बात बड़ी जीजी को बुरी लगी है तो मुझे आज ही मेरे भाई के भिजवा दो, तब सुखी हो जाए। क्यों? मैके क्यों भिजवा दो? क्या ये घर मेरा घर नहीं है तो जो तुम मैके में पड़ी रहोगी? दिनेश क्या हुआ रे, ये चिल्ला चिल्ला काहे कर रहा है? कुछ भी नहीं जी, कुछ भी नहीं, तुम अपना काम देखो जा। कुछ नहीं क्यों, इसका मुंह जो लाल हो रहा है लगता है किसी का खून कर देगा अभी। क्यों रे तुझे क्या हुआ है, कहीं तुझे ब्लड प्रेशर तो नहीं हो रहा है? नहीं नहीं जी ऐसी बात नहीं, राजू को ठीक से दूध नहीं मिलता इसलिए उन्होंने बड़ी जीजी से कहा कि आइंदा राजू को दूध ना पिलाए। क्या बड़ी भाभी तेरे बच्चों को दूध नहीं पिलाती? तूने ये बात कही है? मैं कहता हूँ कही है ये बात तूने? हाँ कही है, दूध ही राजू के लिए स्टेबल फूड है और वही उसे रेगुलरली कम मिलता है। राजू मेरा बेटा है, मैं अपने बेटे के लिए क्या इतना भी नहीं कह सकता क्या? मार डालूंगा जान से, तू मेरे हाथ से मरेगा एक दिन दिनेश, हड्डी पसली तेरी सुरमा कर दूंगा मैं। स्टूपिड, तुझे पाल पोस कर किसने बड़ा किया है? बड़ी भाभी ने तुझे गोद में बिठा के खिलाया पिलाया नहीं है? हाँ हाँ, तब बड़ी भाभी को पतीला भर के दूध अपने बच्चों के लिए अलग नहीं रखना पड़ता था। क्या कहा, बड़ी भाभी तेरे बच्चों को भूखा रखकर अपने बच्चों को खिलाती है? हाँ मैं ठीक कहता हूँ, घर में सब लोग यही चाहते हैं कि मैं राजू की माँ को उसके पीर भेज दूं ताकि घर का खर्चा कुछ कम हो। हे भगवान ये क्या बात कहती, ऐसी बात तो किसी ने नहीं कही देवर जी, ये तो तुम पति पत्नी के मनगढ़ंत बातें हैं। मैं समझता हूँ, सब समझता हूँ, तुम सब लोग मिलकर के मेरे खिलाफ सब कुछ कर रहे हो, लेकिन मैं भी इस घर में बराबर का हिस्सेदार हूँ। हिस्सा? अच्छा आजकल हिस्से की बातें बहुत तेरे दिमाग में आने लगी है, क्यों? जरा चल बड़े भैया के पास, देखूं तेरी हिम्मत चल। देवर जी, देवर जी। बड़ी भाभी आज इस बात का कुछ ना कुछ फैसला होना ही चाहिए, चल। गणेश बड़े
देखी तुमने इसकी नादानी दिनेश की? जो इसके मुंह में आया है इसने भाभी को आज सुनाया है, आज जो उनका अपमान हुआ। अपमान? बड़ी भाभी का? हरगिज नहीं, मैंने तो सिर्फ ये कहा था। हाँ। तू तो यही कह रहा था ना कि बड़ी भाभी ने अपने बच्चों के दूध के खातिर इसके बच्चे के दूध में पानी मिला दिया। बेवकूफ कहीं का, अपमान करने में कोई कसर बाकी रखी? सुनो, जोश में आकर। अच्छा, तो जोश में आके इसके जो मुंह में आए सो ये कह दे बड़ी भाभी को, ये तो तुम्हारा भी अपमान है। मेरा अपमान इसने कब किया? मामूली, आज बच्चे का दूध, कल जोरू की साड़ी, फिर कपड़ा, गहना, जायदाद, ये बात कहां से कहां पहुंच सकती है, सोचा तुमने कभी? अरे अरे, ओहो, क्या नाम है उसका? तू क्यों चुपचाप खड़ा रहे? तू क्यों नहीं बोलता कुछ? मैं? हाँ। अब मैं क्या कहूं अब? हाँ, तू कुछ नहीं बोल सकता, मैं अभी तुम्हें मजा चखाता हूँ। मजले भैया, ओ मजले भैया। अरे गणेश, उसे क्यों बुला रहा है? तुम नहीं समझते हो बड़े भैया, आज माँ जैसी भाभी का अपमान। क्या है, क्या बात है? अरे तू यहाँ क्या कर रहा है? अभी तक राजगंज नहीं गया? नहीं, मेरा मतलब है। मतलब क्या? तू गया क्यों नहीं, इस बात का जवाब दे। अरे रमेश, ये बेचारा तो, क्या नाम है उसका? तुम ठहरो बड़े भैया, तुम्हारी शय पाकर ही तो ये सब सर पर चढ़े हैं। मजले भैया, तुम्हें पता है आज इसने बड़ी भाभी तक को। हाँ जी, दूध जिसकी सबसे बड़ी खुराक हो। तू चुप रहे। मालूम है इस गधे ने क्या कहा कि मैं इस घर का कोई नहीं हूँ, पुरखों की जायदाद में मेरा कोई हिस्सा नहीं है क्या? इसकी बेवकूफी की कोई हद है? सिर्फ एक ही आदमी को दोस्त देने से क्या फायदा? मालती भाभी जब बात करती है तो किसका लिहाज रखती है? उस रात कमल के सोने की बात लेकर ही उन्होंने तूफान मचा। अगर वो बात निकालते हो तो पूरी असलियत ही क्यों नहीं खोल देते? कमल का तो कोई ख्याल करता नहीं और उस छोटे से बच्चे के लिए मेरा पूरा हिस्सा चला जाता, मगर मैंने कभी। हिस्सा? सुना भैया, हिस्सा? अब और कोई चीज बाकी है सुनने के लिए? इसका हिस्सा, उसका हिस्सा, इससे ज्यादती, उससे जबरदस्ती, इसका हक, उसका हक, एक हक तो सभी का बराबर है। ये सुरेश, क्या ये कुछ कम चौपट हुआ? कल मैंने इसे राजगंज जाने के लिए कहा। उस सड़ांध और मच्छरों से भरे हुए गांव में मैं नहीं जा सकता। चाहे जो भी, चाहे जो भी हो, माने बंटवारा ना। सुना भैया, ये हिस्से बंटवारे की बातें जो हो। अरे इसमें सुनने न सुनने की क्या बात है, अब से हम सब मिलजुल कर ही हिसाब देख लिया करेंगे। मैं कहता हूँ भैया, अगर दिनेश ने बंटवारे का सवाल उठाया है तो इसका हिस्सा इसको देकर अलग कर दो, और अगर ये राजगंज जाने को तैयार नहीं तो इसका भी हिस्सा दे दो और इसको भी अलग कर दो। अलग कर दो? अरे रमेश, ये सब क्या हो रहा, क्यों गणेश? मैं कहता हूँ भैया, सुरेश और दिनेश दोनों को अलग कर देना चाहिए। अरे ये कोई आसान काम नहीं, हिंदू ज्वाइंट फैमिली यानी संयुक्त परिवार, इसमें एक भी आदमी अलग होना चाहे तो सबके हिस्सों का पाई पाई का हिसाब करना पड़ेगा। लो, हद हो गई, क्या मैं बंटवारा करवाना चाहता हूँ? दूध ही राजू के लिए स्टेपल फूड है, वो भी अगर खालिस न हो। होगा भाई, सब होगा, अलग अलग इंतजाम करने से खालिस और मनचाही चीजें मिलेंगी। लेकिन हिंदू ज्वाइंट फैमिली बंटवारे का मामला दायर करना कोई हंसी खेल की बात नहीं है। कागजात तैयार करने में बहुत दिन लग जाएंगे, लेकिन उस दौरान में कोई नई गड़बड़ शुरू ना हो जाए इसके लिए पूरा पूरा इंतजाम करना चाहिए। बस तो ठीक है, अगर दूध ही के कारण झगड़ा शुरू हुआ है तो सबकी रसोई अलग अलग हो जाए, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं होगी। चुड़ैलों सुन लिया ना, मैं कहती हूँ अभी मान जाओ, जाकर सारी असलियत बता। सब्र करो ना जीजी, इतनी मेहनत के बाद जाके कहीं कैसे हुआ है? लेकिन इससे तो सचमुच फूट पड़ने का डर है। ये खेल तो आग से खेलने की बात हुई, अगर सचमुच आग भड़क गई तो हम पानी डालकर बुझा देंगे। तुम जरा भी चिंता न करो, चलो 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 ना। जो महाराज, असल में बात क्या हुई? भाई भाई का आपस में इतना मेल था, इतनी हंसी खुशी रहत रहे। माधव कहता था ना कि पांच पांडव, अब भाई कलयुग है, सो पांचों पांडवों में ही कुरुक्षेत्र हो गया। हम तो सोचता हूँ महाराज कि वो इंजीनियर साहब और उनकी मैम साहब ने ही कोई मंत्र। बकवास बंद कर, जब जो चीज नहीं समझता है उसमें अपनी राय मत दिया कर, ये कोई सीधी साधी बात नहीं, जरूर इसमें भेद है। भेद? कैसा भेद मधु भैया? ये राम जाने, बचपन से यहां हूं लेकिन अभी तक असली बात नहीं समझ पाया, पर मैं भी चौकन्ना बन के रहूंगा और पता लगा के रहूंगा। मालती, आज तूने खाना क्या पकाया है? जो पकाया है उसका ढिंढोरा क्यों पीटूं? जो सब्जी मिलेगी उबाल उबूल के खा लेंगे। हाँ मैया, तो नौकर से हाथ लगा गए? हाँ जी, क्यों किसी की नजर लगने दूं? अच्छा। मैं सब्जी काट लेता हूँ, मालकिन आप जरा मसाला पीस लीजिए ना, नहीं तो देर हो जाएगी। क्या कहा, तुम्हारे लिए मैं मसाला पीसने बैठूं? माधव कहाँ गया? माधव, माधव! चंपा, मजली के लिए जरा मसाला पीस दे। वो तो माधव को बुला रही है, मैं क्यों जाऊँ? ये क्या बात है, मजली ने कभी सभी ये झंझट किए हैं और माधव ने कभी मसाला पीसा है?
नहीं तो ऐसा कर, इसी में से तो उसे देख रहा। क्यों भला, वो तो सब अलग हो चुके हैं, अब आप संभाले अपना काम। आज कितने आदमी का कुकिंग होगा यहाँ? सब्जी तो आप कटेंगे कटिंग करती जा रही है। तुम बकवास बंद करो, आज 30 वर्षों से मैं इस घर में सब्जी काटती आ रही हूँ और आज तुम मुझे सबक सिखा रहे हो। मांस एक सेर, घी आधा सेर, बासमती चावल दो सेर, अदरक एक तोला, इलायची एक तोला, धनिया दो तोला। ओहो, ठहरिए ठहरिए, आपने तो अच्छी खासी दावत का सामान गिनवा दिया। दावत क्या, इस पाक शास्त्र में तो यही लिखा है। ओहो, किताब में देखकर अच्छा खाना नहीं बनता। आप लोगों के लिए तो दो आदमियों का खाना बनेगा ना? हाँ, अच्छा तो फिर मैं रेडियो में सुनकर याद करूंगी। तो फिर तब तक खाना पकाना बंद। तुम्हें जो कुछ पकाना आता है पका लो ना। जो हुक्म। देखो इस तरह आलू काटू ना। ओहो, इस तरह काटे जाते आलू? तुम रहने दो, मैं काट लूंगी। तुम कैसे काटोगी, तुमने कभी आलू काटे भी हैं? कहीं उंगली कट गए तो? ओ महाराज, क्या कर रहे हो तब से, जरा जल्दी जल्दी हाथ चलाओ ना। अच्छा अच्छा, तुम रहने दो, मैं ही पीसी लेती हूँ। तुम मसाला पीसोगी? क्यों, माधो कहाँ गया? माधो, माधो। कट गया ना हाथ। तानपुरा छोड़कर छुरी, हारमोनियम छोड़कर सिलवट्टा, राम जाने और क्या क्या देखना पड़ेगा। जाओ जल्दी ऊपर जाके आईदिन लगा लो। मालती, दिनेश भैया। देख जयश्री, अरे भात में नमक मत डाल देना। पुलाव बनाना हो तो नमक डालना ही पड़ता है जीजी। ओ, तो सिर्फ पुलाव गोश्त ही उड़ता है आजकल। अगर पुलाव गोश्त ही खाते हैं हम, तो इसमें ताने देने की कौन सी बात है। हाँ देवर जी, बात तो ठीक है, लेकिन ये पुलाव गोश्त का खर्च? खर्च की चिंता नहीं, अपने हिस्से की जायदाद बेच के किसी बड़े शहर में जाकर रहूंगा और वहीं पर प्रैक्टिस करूंगा। जब सबका चौका बर्तन अलग हो चुका है तो फिर किसी के सर में दर्द क्यों? क्यों, खाना तैयार है? मुझे जल्दी बाहर जाना है। बाजार से सौदा सिर्फ कुछ लाया नहीं गया तो मैं पकाऊं क्या? क्यों, माधो क्या करता रहता है? माधो, माधो, देखो जी, तुम्हें भी कुछ ख्याल रखना चाहिए, अब जब सब कुछ अलग हो गया है। वाह जी, क्या खरीद फरोख्त करने के लिए मैं बाजार जाया करूं? नहीं नहीं, मेरा मतलब ये नहीं है, मैं तो ये कह रहा था कि जब माधो जी साग सब्जी क्यों नहीं आई? क्या करता रहता सारा दिन, गप्पे भागता रहता है, तनख्वाह नहीं लेता क्या? तनख्वाह लेता था, लेकिन अब सोच रहा हूँ कि इस महीने की तनख्वाह किससे लूं। देखो जी, मैं पूछती हूँ, बिन पैसों के सौदा कैसे आएगा? पैसे दिए हैं तुमने? पैसे नहीं है क्यों? ठीक, चलो मैं साथ मैंने कहा कुछ खाना तैयार है? खाना? हाँ। मैं अकेले क्या क्या करूं? रोटी और तरकारी तो अभी बनी नहीं, सिर्फ दाल पकी है। सिर्फ दाल? अच्छा, तो आज दाल ही सही, जरा देना इस कटोरी में। अरे भाई, भूख के मारे अतड़ियां ऐठ रही हैं। हाय हाय, बस अब मैं क्या कहूं तुम्हें, बच्चों को मात करने लगे। जाओ, मुझे परेशान मत करो। अच्छा लगी है ना? दो ही बिस्किट रह गए हैं बेटे, तुम ये ले लो और तुम ये ले लो। हाँ, धीरे धीरे खाओ बेटे, हाँ खाओ। तुम तो बच्चे हो, यहाँ तो ये बूढ़ा भी मरा जा रहा है भूख से। सवेरे से खाया क्या है? एक सूखी रोटी,
इससे भी कहीं सेहत ठीक रहती है। बेचारे पेट नहीं भरा। और भर भी कैसे सकता है। माधो, ओ माधो, आया बाबूजी। देख माधो, बच्चों को भूख लगी है, पांच रुपए की जलेबी ले आ जा। पांच रुपए की जलेबी? अरे तो पांच रुपए की जलेबी में कौन सी मुसीबत आ गई, इतने बच्चे हैं सब खाएंगे। और एक काम कर, मेरे लिए एक रुपए के पकौड़े लेते आ। एक रुपए के पकौड़े? बाबा तो दो के लेते अगर कम है तो। ओ। अच्छा बच्चों, माधो अभी मिठाई लेके आता होगा, चलो। माधो भैया धप से बैठ गए, बात क्या है? अबे चुप, दिमाग मत चार, जरा सांस लेने दे। अजीब मुसीबत है, डॉक्टर बाबू के लिए बाजार से साग भाजी, इंजीनियर बाबू के लिए तेल का पकोड़ा, इसके लिए हींग, उसके लिए फींग, इधर आ उधर जा, ये मालकिन वो मालकिन। इससे तो अच्छा है कि मैं यहीं दबके पड़ा रहूं, मैं इतने जल्दी मरना नहीं चाहता। हाँ क्यों जी, खाना तैयार है? नहीं, जरा देरी है, सब्जी नहीं बनी। क्यों नहीं बनी? सबका अलग अलग बंदोबस्त कर दिया गया है, फिर देर क्यों? ओहो, रसोईया नया है, वो टाइम पे खाना नहीं बना सकता। आज जाकर तुम किसी होटल में खाना खा लो। होटल में खा लो? सुना मालती, उसे घर से भूखा ही भेज रही है। ओहो, दो दिन जरा खा लो, मेरे लिए रखो ना। जी जी, मंजरी सिर्फ मजाक तो कर रही है। बस बस रहने दे, खाने के मामले मजाक कैसा। देवर जी, देवर जी, देवर जी, एक बात मानोगे? क्या बात है भाभी? मैंने कहा हमारा खाना तो तैयार है, अगर आज मेरे साथ खा लिया। जी जी, तुम इस झंझट में क्यों पड़ती हो? झंझट काहे का मजली, समझ लो कि मैंने आज तुम्हारी दावत ही की। अगर दावत है तो कोई बात नहीं, मुझे मंजूर है दावत। दावत कहाँ, किसकी, कब? कुछ नहीं जी, देवर जी का खाना तैयार नहीं था, भूखे ही जा रहे थे, सो मैंने उनकी दावत दी। तो खाना तो हमारा भी तैयार नहीं है भाभी, और भूख के मारे अतड़ियां बिलबिला रही है, झट से मेरी भी दावत कर दो। तो चलो तुम्हारी भी दावत की। चंपा जाओ, छोटे बाबू और डॉक्टर बाबू को बुलाना, आज सबकी दावत। रसोईया तो है नहीं, और बहू बेचारी ना तजुर्बेकार, न हो तो सुबह का खाना सब मेरे साथ खा लिया करो कुछ दिन। बस तो मुझे कोई एतराज नहीं, और खाने पीने के मामले में तो मुझे कभी कोई एतराज नहीं हुआ। तो चलो। देखा, बंती बात को बड़ी जीजी ने कल बिगाड़ के रख दिया। बड़ी जीजी के किए कुछ न होगा, सब्र तो करो, मैं बिगड़ी बात को बना के ही रहूंगी। क्या करोगी जीजी, बताओ ना, जल्दी बताओ, कोई आ जाएगा। इतना मस्ती का, आज रविवार है, सब लोग घर ही में हैं। कमल के यज्ञोपवीत के दिन जो बच्चों ने नाटक किया था ना, वही नाटक आज हम फिर से करेंगे। नाटक करने से क्या होगा, जो होगा सब तुम्हारे सामने ही होगा। ओ माँ, चोखा बर्तन अलग हो गए, लेकिन आपके आपस में होने वाली खुसुर पुसुर में कोई फर्क नहीं हुआ। जा जा, तू अपना काम कर, तुझे इससे क्या मतलब। बचपन से इस घर का नमक खाया है, किसी ने मुझसे कोई भेद नहीं छुपाया, लेकिन ये गड़बड़ खोटाला अपनी खोपड़ी में नहीं उतरता। कोई बात नहीं, मैं इस राज का पता। राज? राज कहका? अगर हम अलग हो भी गई तो क्या आपस में बातचीत भी नहीं कर सकती? तुम कुछ भी कहो, मेरे राजू के खिलौने तुम्हारा अरुण चुरा लेता है, ये कहाँ की शराफत है? क्या कहा? अरे बाबा 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 बाबा, फिर गड़बड़ खोटाला शुरू हो गया। देखिए, मेरा नाम माधो है, माधो मिट्टी का माधो नहीं, मैं इस राज का पता लगा कर ही छोड़ूंगा। मैं युद्ध के बिना पांच गांव तो क्या, एक सुई की नोक इतनी जगह भी पांडवों को नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, हे दुर्योधन, युद्ध सदा नाश का कारण होता है। युद्ध सदा नाश का कारण होता है। ये हद छोड़ दो, ये हद छोड़ दो, पांडवों को ये सलाह दो, पांडवों को ये सलाह दो, मेरी मूंछ नीची नहीं हो सकती, मेरी मूंछ नीची नहीं हो सकती। अरे तुम्हारी मूंछ गिर गई। अरे तुम्हारी मूंछ गिर गई। ये बच्चे भी बड़ी शानदार एक्टिंग कर लेते हैं। आखिर बच्चे किसके हैं जी, हमारे ही ना, हम क्या कुछ कम अच्छे एक्टिंग कर रही है। अच्छा उठो, अब हम भी अपना ड्रामा शुरू करते हैं। हाँ, हाँ, चलो चलो। नाटक, पढ़ाई लिखाई गई भाड़ में, यहाँ नाटक हो रहा है। नाटक, कमल से हजार बार कहा दूसरे बच्चों में ना बैठा कर, अपने कमरे में जाके पढ़ाई लिखा करे। हमेशा से तो सभी बच्चे एक ही साथ बैठकर पढ़ाई लिखाई करते आए हैं, आज इसी बात का बतंगड़ क्यों बना रही हो? मेरा बच्चा है, इसकी भलाई के लिए जो चाहूँ कह सकती हूँ, तुम्हें इससे क्या।
आज ये बच्चे का प्यार अचानक कैसे उमड़ आया? पहले ये कहा था, हमारे भी तो बच्चे हैं, पर हम तो तुम्हारी तरह कमर कस के लड़ने कभी नहीं आए। हाँ हाँ पता है, सब पता है। अपने बच्चे के लिए जरा दूध थोड़ा सा कम पड़ने लगा तो दोनों मियाँ बीवी ने जाकर बड़े जीजी तक का अपमान कर दिया, जो मुंह में आया बख दिया। उस वक्त क्यों नहीं चुप रह सकी? दूसरे को नसीहत, खुद मियाँ फजीहत। ये तो तुम्हारी ज्यादती है मालती, इसका तो बिचारे का एक ही बच्चा है, अगर उसे भी दूध कम मिले तो कैसे चुप रह सकती है? मैं तो किसी के लाग लपेट में हूँ ही नहीं, इसीलिए साफ साफ कह देती हूँ, अच्छा लगे या बुरा। रहने दो मजली दीदी, तुम्हारा भी रंग देखा हमने। आखिर तुम कहना क्या चाहती हो? उन्हें राजगंज भेजने के पीछे किसका हाथ था ये क्या मैं नहीं जानती? हमें देखकर तुम्हारा दिल जो जलता है ये मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। तो तुम्हारी हिम्मत गोया यहाँ तक बढ़ गई है? ठीक। इस घर में बच्चे क्या तालीम हासिल कर सकते हैं? बच्चे माँ बाप के पास न रहे तो बिल्कुल उजड़ बन जाते हैं। सुनो गणेश, क्या है? सुना तुम्हारी घरवाली ने कमल की पढ़ाई के बारे में क्या कहा? मुझे सुनने की कोई जरूरत नहीं, मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि छुट्टी लेकर आया था कि घर जाऊंगा, खाऊंगा, पीऊंगा, मजा करूंगा, मगर यहाँ तो जो चीज है वो राम भरोसे। आधा पेट खाका कर दुबला हो गया हूँ, मगर अब नहीं, मैं आज रात को ही बनारस चला जाऊंगा। क्या कहा? मैं दफा 144 लगवा दूंगा, परसों ड्राफ्ट तैयार होकर आएगा, दस्तखत किए बिना नहीं जा सकते। बड़े बाबू। माधो, हमारा भी कुछ बंदोबस्त कर दीजिए। कैसा बंदोबस्त करे? मालिक, काम की बोझ से हमारी कमर टूटी जा रही है, किशन, भिकू, चंपा, मैं, हम सब का बंटवारा कर दीजिए। तुम लोगों का भी बंटवारा होगा? जी। माधो, तू तो बचपन से ही इस घर में है, घर का सही आदमी है तू, भला तू ही बता ये फूट के बीच कहां से आ पड़े? हम सब भाइयों में कितना प्रेम था, कितना प्यार था, गली मोहल्ले वाले हमें पांचों पांडव कहा करते थे, और मामूली सी दूध की बात पर हम लोगों का बंटवारा हो गया, चौका बर्तन सब अलग कर दिए गए। अच्छा, लोग सुनेंगे तो क्या कहेंगे? अगर हम एक माँ के बच्चे होकर भी मेल मिलाप से नहीं रह सकते तो क्या गली और मोहल्ले वालों से खाक प्रेम होगा हमारा? माधो, जब हमारे पिताजी का स्वर्गवास हुआ था तब ये रमेश, गणेश, दिनेश, सुरेश सब छोटे छोटे थे, मैंने अपने बच्चों की तरह लाड़ प्यार से पाल पोस कर इनको इतना बड़ा किया, और आज भगवान, क्या यही दिन देखने के लिए तुमने मुझे जिंदा रखा है? बस बस मालिक, और ना बोलिए। अच्छा, आप हमारा बंटवारा न कीजिए। नहीं नहीं, बैठो चुपके, मैं जाऊंगा, बड़ा है जाने वाला, बैठिए। ये मेरे राजू की आवाज है ना? जी जी। अरे देख तो सही, उसे मेरे पास नहीं आने देते, मैं भला किसके साथ खेलूं, मेरा वक्त कैसे कटेगा? रो रहा, शायद मेरे पास आना चाहता। तू जा उसे ले आ। हाँ हाँ, देख अगर कोई रोके तो जबरदस्ती मेरे पास ले आना। हाँ जबरदस्ती। अरे बाबूजी, अंधेरे में बैठे हुए आप क्या कर रहे हैं? ओहो हो, चाय भी पड़े पड़े ठंडी हो गई, दूसरी चाय लाऊं? नहीं चाहिए। बहुत अच्छा। माधु सुन। जी बोलो। कुछ नहीं, जा अपना काम कर। सुन तो। बोलिए। ये चिट्ठियां डाकखाने में डालाऊं? नहीं, बड़े बाबू, छोटे बाबू, सबको एक एक दे देना। मालिक। हाँ? आपकी चिट्ठी। कैसी चिट्ठी रे? मजली बाबू ने दी है। चिट्ठी क्यों?
आज रात 8:30 बजे ड्राइंग रूम में बंटवारे के लिए मीटिंग होगी। भैया, गणेश, दिनेश, सुरेश, तुम सब यही हो। ये लो भैया, पढ़ लो, अगर ठीक लगे तो सब जन इस पर दस्तखत करें। रमेश, क्या नाम है इसका? नहीं भैया, फर्ज तो पूरा करना ही पड़ता है, चाहे कितना ही दुख हो उसमें। तुम शायद नहीं पढ़ना चाहते, ये सब तो पढ़ लें और दस्तखत कर दें। लेकिन मैं क्या जानू ये कानूनी बात है, अगर तुम सबके लिए ये ठीक है तो मेरे लिए भी ठीक है। वी द अंडरसाइंड पर्संस विलिंगली एंड वॉलंटरीली एग्री टू। अरे बाबा, ये तो अच्छी खासी मुसीबत है, ये मुझसे नहीं होगा। मैं कहता था तुम सबकी रजामंदी है ना। मैं क्या कहूं, बड़े भैया से पूछ लो। मेरा मतलब यह है, मैं ये कहना चाहता था कि जो कहना चाहते हो साफ साफ कहो। मेरा मतलब यह है कि मैं ये कहना चाहता था कि ये कागजात अगर एक बार सब बहुओं को दिखा दिए जाते। बहुओं को? रमेश, इस मामले में बहुओं को? तो ठीक है, अगर इनके लिए बहुओं की राय इतनी लाजमी है तो उनको बुलवाया जाए। माधो, माधो! आया आया मंजले बाबू, तू कहां मर गया था? चिलम में तमाकू भर रहा था। जा, सब बहुओं को बुला ला, कहना मैंने बुलाया है। अरे रमेश, तुम समझते नहीं हो। नहीं भैया, रात बहुत होती जा रही है, फजूल देर करने से क्या फायदा। गणेश भैया, क्या हुआ? गणेश, क्या हुआ? क्या हुआ? मुझे चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। हाँ, ब्लड प्रेशर तो नहीं बढ़ गया? तेरा बैग गणेश। गणेश, किशन, मैंने किशन, भीगू, किशन, गणेश। दिन तुम अपने हो किसी तरह बंद रखो, मजली बात बहुत बढ़ गई है। अब ये भयानक तमाशा मुझसे नहीं देखा जाता। तुम तो यूं ही मरी जा रही हो, ये सब कुछ कोई सचमुच में होगा नहीं। मैं सच झूठ कुछ नहीं जानती, मैं अभी जाकर सब कुछ बताएगी। मंजू, मंजू, जी जी को जल्दी पान और जरदा दे देगा। जी जी, चाय पियोगे? क्या बकते हो तुम, सोच सोच के मरी क्यों जा रही हो? हम सब कुछ संभाल लेंगे, बस वक्त आने पर उन्हें बता देंगे कि आपकी हेकड़ियों से परेशान होकर हम सब औरतों ने मिलकर आपको उल्लू बनाने के लिए एक नाटक रचा था। मालती, जीजी का हाथ खोल दे तो। गणेश भैया, आंखों के आगे धुंधला बनता तो नजर नहीं आता ना? नहीं आता। आता है। बेवकूफ है, सुना उस वक्त 2 रुपए के पकौड़े मंगवा कर खाए। मजले बाबू, लुटिया डूब गई, आप लोगों का बेड़ा गर्क हो गया। चिल्ला मत, रात की बात है मजले बाबू। चुप रह। बड़े बाबू, जरा इनसे कहिए ना मेरी बात सुन ले। रमेश, ये देख तो सही क्या बोलना चाहता है। जा, जल्दी बता क्या बात है, वो लोग आए क्यों नहीं सबके सब? अरे वो कैसे आते, वो लोग तो ऊपर बैठकर आप लोगों को उल्लू बना रहे। उल्लू? कौन, कहां, किसे? आप लोगों को और किसे? आप लोग तो यहाँ बंटवारे के चक्कर में हैं और ऊपर सारी भुएं गले मिल मिलकर हंस रही हैं आपकी बेवकूफी पर। हा? और सारी मुसीबत की जड़ मंजली बहू। क्या कहा, मंजली बहू? जी हाँ। ओ,
ये बात बस बस जान में जान आई, अब राजू के साथ एक बाजी शतरंज की हो जाए तो ब्लड प्रेशर तुम्हारा भाग, ब्लड प्रेशर गधे की सींगने, ब्लड प्रेशर मैं एकदम ठीक हूँ। माधो इस खुशखबरी के लिए तुझे 100 रुपया इनाम। क्या क्या कहा? अरे भाई 100 रुपया है ना, हम डॉक्टर बाबू गणेश भैया हम सब भाइयों को दुद्धू बना दे। क्या नाम है इसका? तुम लोग कुछ नहीं समझते, वो हमेशा से हमें बुद्धू बनाती आई है और बुद्धू बनाती रहेगी। डोंट मूव। क्यों, क्या फिर दस्तखत करने पड़ेंगे? जरूर, हाईकोर्ट में अर्जी दे दी गई है, ये काम अधूरा नहीं छोड़ सकते। क्या नाम है उसका? माधव जी, गेट आउट। गेट आउट? क्यों गेट आउट? हम लोगों की मीटिंग होगी। फिर आप लोगों की मीटिंग होगी? हाँ, गेट आउट। किशन तू भी जा, चल रे किशन। रमेश, क्या नाम है उसका? सलाह करनी है। सलाह? कैसी सलाह? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। मैं सब समझा देता हूँ। सत्यानाश हो गया, मैं समझा था कि आराम से बात निपट जाएगी, यहाँ तो फिर से ठंड गई। चल रे चल, मीटिंग हम भी मीटिंग करेंगे। दीदी वो लोग आ रहे हैं, अब थोड़ी सी देर के लिए जरा चुप रहना। अब मैं किसी भी हालत में चुप नहीं रह सकती। अब कितने देर बाकी है, बस कागज पर दस्तखत होते हैं। दस्तखत हो भी गए तो क्या, दस्तखत किए हुए कागजों को फाड़ देने में देरी कितनी लगती है? हम उन्हें ये समझा देना चाहती हैं कि मर्द और औरत गृहस्थी के गाड़ी के दो पहिए हैं, दोनों ठीक हो तब भी गाड़ी ठीक चल सकती है। मर्दों को कोई हक नहीं है झूठी डिंगे हाँकने का, मर्द है ही क्या, एक मूंग की नाक या गीली मिट्टी, हम जैसा चाहे उन्हें बना सकती हैं। सुन लिया मछली भैया? तू चुप रहे, मुझसे टक्कर लेना कोई हंसी खेल नहीं, अभी होश आ जाएगी ना। ओ तो तुम सभी यहाँ हो, ठीक है, हमारे बंटवारे के कागजात तैयार हो चुके हैं, कल अदालत में फाइल कर दिए जाएंगे। हम पांचों भाइयों ने तो साइन कर दिए, अब तुम लोग गवाहों की जगह साइन कर दो। जज साहब का हुक्म है, इसमें कोई रद्द बदल नहीं हो सकती। हे भगवान, ये क्या सर्वनाश हुआ चाहता है? नहीं नहीं, अब तो जो होना था सो हो चुका, कल से जमीन, जागीर, दर, दरवाजा, कपड़ा, लता, मोजा, जूता, टोपी सब अलग, एकदम अलग। क्यों मजले भैया? ठीक, सो लाने ठीक, लो भाभी दस्तखत कर दो। लेकिन तुम्हें ये बंटवारा कर डालने को कहा किसने था देवर जी? कहेगा कौन, हम मर्द हैं मर्द। राइट, कोई मोम की नाक या गीली मट्टी नहीं जो किसी के हुक्म के मुताबिक हम काम करें, हमारी मर्जी इस घर का कानून है। हम पांच भाइयों ने एक राय होकर यह फैसला किया है कि बंटवारा कर लेना ही ठीक है। क्यों बड़े भैया? तुम तो कुछ भी नहीं कह रहे हो, क्या तुम्हारी भी यही राय है? क्या नाम है उसका? नहीं नहीं बड़े भैया, देर करने से क्या फायदा, भाभी लो दस्तखत कर दो। देवर जी। नहीं भाभी, आज मैं तुम्हारी बात नहीं रख सकूंगा, हम पांचों भाइयों ने कसम खाई है कि हम जरूर जुदा हो जाएंगे। देवर जी, मैं सिर्फ तुम्हारी भाभी नहीं हूँ, तुम सबकी माँ की जगह हो, सबको गोद में बिठा कर खिला पिला कर बड़ा किया है, आज अगर तुम्हारी माँ जिंदा होती तो तुम ही बंटवारा कर सकते थे। भाभी भाभी, जज साहब फैसला दे चुके हैं, अब ये रद्द नहीं हो सकता। लो अब भुगत लो, मैं तब से इनका मुंह को कह रही हूँ कि आग से मत खिला करो, लेकिन मेरे कोई सुने तब तक मेरा साथ से बना हुआ सोने का संसार तोड़ तार कर चक्कर क्यों कर दिया। अरे बड़ी बहू, तुम कहाँ जा रही हो, सुनो तो सही। बड़ी बहू, अरे सुनो तो। मजले भैया, बड़ी भाभी से बाद में दस्तखत करा लेंगे। हाँ हाँ, पहले तुम दस्तखत करो। सुनो तो, अगर बंटवारा न किया जाए तो? मतलब यही कि जो होना था सो हो चुका है, अब और ज्यादा कोई बच्चों का खेल है, जज साहब के हुक्म से ड्राफ्ट बनाया जा चुका है, कोई तरीका नहीं बचत का। माँ, सत्यानाश हो गया, तो क्या सचमुच बंटवारा होगा? हाँ होगा, और जरूर होगा। याद नहीं है उस आधी रात में कमल को कमरे से बाहर निकाल दिया था? हम लोगों को अपना अपना हिस्सा मिल जाना चाहिए। मैंने कहा जी, जरा तुम ही मंजले भैया को समझाओ ना। मंजले भैया को समझो? अब इसमें समझाना ही क्या रह गया, राजू मेरा इकलौता बेटा है और उसको भी दूध पानी मिला हुआ, दूध तो उसका स्टेपल फूड है, ये बंटवारा होके रहेगा। मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, चुप क्यों हो, तुम ही कोई कोशिश करो ना। जरूर करूंगा, कोशिश तो करनी ही चाहिए।
याद नहीं उस रात बेकार कहकर मेरे साथ साथ तुम्हारी भी फजीहत कर दी थी। बस अब बंटवारा हो जाए उसके बाद मैं अपने हिस्से के जायदाद को बेच बाज कर किसी बड़े शहर में जाकर एक डांसिंग स्कूल खोल दूंगा। सुनते हो, मैं कहती हूँ कि तुम दस्तखत करो जी, कुछ कहने की जरूरत नहीं। बंटवारा हो जाने पर चैन की सांस तो लेंगे। बंटवारा, देखो जी मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ। अरे अरे इसमें हंसने की कौन सी बात है रे? बंटवारे की खुशी अगर समा नहीं पाती है तो अपने कमरे में चला जा और खूब खीखी 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 करके हंस। वहां मजले भैया कागजात भेज देंगे और तुम सब दस्तखत करके वापस कर देना। यहाँ तो हमारे पुरखों की जायदाद का बंटवारा हो रहा है और इसकी खुशी है कि बस फूटी पड़ती है। चलो बस चलो चलो अपने अपने कमरे में। ये तो ठीक ही हुआ, रोज रोज के झगड़े से तो बचे। ये झगड़े नहीं थे, ये सब झूठ था। झूठ? झूठ? झूठ माने? माने माने ये कि तुम सब भाई आपसे प्यार की टींग हका करते थे ना, इसलिए हम सब ने यानी मालती जयश्री मंजू मैं हम सब ने मिलकर साजिश की थी कि तुम्हें सबक मिले। ओ तो तुम हमें सबक सिखा रही थी, साजिश। लेकिन कानून के सामने कोई साजिश नहीं चल सकती, जज साहब के सामने कोई बहाना नहीं चल सकता। अब कोई रास्ता नहीं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगी। देखो जी मैं तुम्हारे पांव पड़ती हूँ, जैसे भी हो तुम जज साहब को एक बार मना लो, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। कमल रात को मेरे पास नहीं सोया, सारी रात मैं नहीं सो सकी। दीदी से बात किए बिना, मालती जयश्री मंजू से छेड़छाड़ किए बिना मैं कैसे जीऊंगी? तो ये बात है, तुम भी कुछ कम नहीं हो। गलती तो हम सबकी है, सिर्फ मंजे जीजी को क्यों परेशान किया जा रहा है? बड़े भैया क्या नाम उसका, रमेश बहुत ज्यादती कर रहा है। इस बार मुझे किसी तरह बचा लो। टुकड़े टुकड़े कर दे उस कागज के, इसी वक्त टुकड़े टुकड़े कर दे। आग से खेलना चाहता है। बहू तुम जरा भी नहीं घबराओ, अरे हार तो हम दोनों पार्टियों की हुई है। हाँ भाभी 50-50। अरे इसीलिए तो स्त्री को हिंदी में अर्धांगी भी कहते हैं। और हाँ अंग्रेजी में बेटर हाफ, हिंदी से एक कदम आगे। चलो चलो और नीचे चलो। हाँ जी क्या नाम है उसका, पंडित जी को बुलाकर शांति पाठ और स्वस्ति वाचन का बंदोबस्त कर दिया जाए। क्यों नहीं, फिर कभी ऐसी शरारत करोगी क्या? अरे ये क्या नई मुसीबत आ रही है? आप लोगों ने जो अच्छा समझा वो तो कर ही लिया। मजले बाबू हम लोग अभी भाग बंटवारा कर लीजिए। क्या भाग बंटवारा? जी हाँ, हम लोगों में से कौन किसके हिस्से में आता उसकी भी अच्छी लिखा पढ़त कर लीजिए। जा जा भाग जा। चलो भाग जाओ यहाँ से। भाग जाओ? हाँ बातों को। अरे माधो क्या है? इधर अपनी बख्शीश लेता जा। बख्शीश? हाँ तूने सही टाइम पर बता दिया था। ओ, लेकिन क्या नाम है उसका, ये तो स्टेट की तरफ से। ओ, 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 बड़े भैया मैंने दिया इसका मतलब यही है कि स्टेट की तरफ से। वन फॉर ऑल एंड ऑल फॉर वन। ऐसी ही और सदाबहार फिल्में और गाने देखने के लिए आज ही डाउनलोड करें शिमारुमी और सब्सक्राइब करें क्लासिक पैक।